गुड इवनिंग एरिवन थैंक यू एक सेकेंड

आज की तारीख में हमारा टारगेट है हर एक व्यक्ति का हर एक लीडर को फ्रंट पे लेके आने की हमारा मकसद खुद की मार्केटिंग नहीं हमारा मकसद है लोगों की मार्केटिंग करना और ये ही दर्शाता है कि लीडरशिप की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप अपने टीम को साथ लेके चले उनकी एक पहचान मार्केट तक पहुंचाएं क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गट्स होते हैं हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई, नो कोई आ, मतलब एक जज्बा होता है जो हर एक व्यक्ति अपने तरीके से कार्य करता है तो थैंक यू वेरी मच जितने लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट है एक से दो मिनट के अंदर हमारा हाउसफुल हो चुका है एक बार जोरदार क्लैपिंग सभी लीडर्स को मेरी तरफ से मैं चाहूंगा सभी लोग आपकी वीडियो लाइव आप है जो सही डायरेक्शन में सही अगर वीडियो को मतलब एक्चुअल में एक प्रोफेशनल तरीके से बैठा है अपने फैमिली के साथ बैठा है अच्छी बात है लेकिन खाना खाते हुए लेटे हुए अगर आपका वीडियो पाया गया तो ऑन द स्पॉट मेरी कोहो से रिक्वेस्ट रहेगी उनको यहाँ से रिमूव करें प्लीज या तो अपने वीडियो को ऑफ कर दें वरना अगर कोई आपको बैठा दिखाई देता है आप उसको रिमूव कर सकते हैं इसका ये मैं मतलब पब्लिकली इसलिए बोल रहा हूँ महिला शक्ति भी हमारे साथ कनेक्ट रहती है कुछ माता या बहनें भी हमारे साथ रहती है लेकिन हम लेटे रहते हैं बैठे रहते हैं कपड़े पहने नहीं रहते हैं लोग सोचते हैं अब मैं किसी के नाम से टारगेट करूंगा तो गलत रहेगा तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप ऑडियो सुन के इसका आनंद उठा सकते हैं क्योंकि वीडियो हमारा शूट होकर जाने कितने लोगों तक जाएगा इसको हम अपने तो आप इसको लाइव यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं तो है। है, छह साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में मतलब इस इंडस्ट्री में अगर मैं कहूं तो अच्छा पैसा कमाया है और पचास हजार से ज्यादा लोगों को जूम के माध्यम से ट्रेन कर चुके हैं और प्लस तीस से ज्यादा एल डी दोस्तों से ज्यादा फिजिकल मीटिंग्स हर स्टेट हर सिटी के अंदर घूमने के बाद आज एक बिजनेस को हम पिछले छह महीने से प्रमोट करें जिसका नाम है लेकिन पहचान आप तक नहीं पहुंच पाती करी है वो सारा हर के के साथ आप, देखने को, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं इसी लिंक के माध्यम से क्लिक करके और आज की क्लास आज का जो टाइटल है वो मैं सिंपल बता देता हूं मोहित सर की क्लास से करीब करीब दो से तीन महीने लगातार हर थर्सडे चलेगी जिसमें हर गोल्ड

लिक्वुड में किसी व्यक्ति ने अपने प्लाइन से नहीं पूछे होंगे क्योंकि वो व्यक्ति कहेगा सर सर हम पूछ लेंगे तो मुझे पता है वो गोली दे देगा मना कर देगा लेकिन आज हर एक चीज के जवाब मैं चाहूंगा कि आपके मुख से हम सुने और जितने भी 500 सौ लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं सौ सवा सौ लीडर्स जो YouTube पे लाए हमें सुने उनको सबको जवाब आज का मिलना चाहिए तो आप रेडी है बतरा सर बिल्कुल रेडी है और प्राउड फील कर रहे हैं बड़ा गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि मोहित सर की क्लास में हमें बुलाया गया और पहले सेशन में हम आए तो हमें बड़ा गर्व फील हो रहा है अरे सर थैंक यू वेरी मच ये हमारा सौभाग्य है बत्रा सर और इस क्लास में करीब करीब पांच लोग अभी बैठे हैं और एज ए स्टूडेंट आप जिस लेवल पे हो मैटर आप सीखने के से इस क्लास में बैठे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अगर आप हमारा कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे बत्रा सर का देखेंगे कनेक्टिविटी देखेंगे तो आपका हौसला अपना बढ़ेगा और जबरदस्ती आपको मौका दिया जाएगा गोल्ड अबो तैयार हो जाओ सबको इस मंच पे लेके आऊंगा इस क्लास के अंदर और सबका इंटरव्यू यहाँ पे करेंगे तो बत्रा सर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा पच्चीस से तीस साल जो मुझे सूत्रों से पता चला है आपने इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग और पच्चीस से तीस साल के अनुभव के बाद करीब करीब करोड़ों रुपए आपने वहां से बनाया है सर आज इस इंडस्ट्री को क्या ऐसा रीजन है कि आप कनेक्ट रहे क्या ऐसा एक ऐसा पायदान था कि आपने सोचा कि अपनी लाइफ में करूं ना करूं इस इंडस्ट्री को स्विच करूं या इसे कंटिन्यू करूं क्या आपका एक्सपीरियंस रहा क्या आपका उतार चढ़ाव रहेगा शो टर्म में मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन में बताएं सर वाह थैंक यू आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपने पूछा है कि मैंने इंडस्ट्री में इतने साल कैसे काम किया और क्यों टिक रहा इंडस्ट्री मुझे अच्छी क्यों लगती है जी. तो उसके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है और इसमें एक आम आदमी जो है एक एक ऑर्डनरी आदमी इस बिजनेस में आता है इसमें कोई स्किल नहीं होती है लेकिन जी. वो स्किल सीखते सीखते एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंसान बन जाता है और मेरे को इस बिजनेस में इस नेटवर्क इंडस्ट्री में यही अच्छा लगता है कि हम बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं जहां तक तो उतार चढ़ाव की बात आपने पूछी है आपने पूछा रिजेक्शन के बारे में या सक्सेस के बारे में तो निश्चित रूप से हमने बहुत बड़ी सफलता पाई है हमने करोड़ों रुपए कमाए कई देशों की यात्रा करी हमने हमारी वाइफ ने हमारे बच्चों ने बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं हम लोग और शुरू से ही कार्य चमकाने का शौक नहीं था मैं देखता तो हूँ इंडस्ट्री में लोग महंगी महंगी कार्य चमकाते हैं हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया और इसलिए हमने बहुत अच्छा पैसा और बनाया और दूसरी बात यह है कि ये बड़ी बात नहीं कि हमने पैसा बनाया बड़ी बात यह है कि हमारे इस बिजनेस में आने से हजारों लोग ऐसे थे जिनको अच्छा पैसा आया वो हमें ज्यादा खुशी देता है बहुत लंबा तरी, पर शॉर्ट में मैं एक तो आपको अपना जो है आ, कुछ बता देता हूँ एक्सपीरियंस शायद वो बहुत अच्छा भी लगेगा लोगों को और कुछ सीखने भी मिलेगा उससे तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज बिजनेस ऑफ रिजेक्शन यानी यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता हम लोगों को ना ही कोई बहुत सारा कुछ सामान लगता है लेकिन लगती है एक चीज वो है माइंड मैनेजमेंट हर बार क्या होता है हमारा मन खराब होता है हमें रिजेक्शन मिलता है लोग हमारा ऐसी बातें करते से दिल टूट जाता है और उसको हमें बार 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 अपने आप को समझाना पड़ता है मैंने जब स्टार्ट किया था तो हमारा ड्रीम बड़ा स्ट्रांग था इस बिजनेस को रन करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज चाहिए वो है ड्रीम तो हमारा ड्रीम बहुत स्ट्रांग था क्योंकि हमारे पास हमारा आज से बीस साल पहले जो है हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में लॉस हो गया था कर्ज हो गया था पिताजी संभालते थे तो उनके डेथ हो गई और उनका कर्ज हो गया था काफी बड़ा तो हमारे पास बड़ा रीजन था इस बिजनेस को बिल्ड करेगा कि पैसा चाहिए और हमारे पर कर्ज होने की वजह से जहां जहां हम इस बिजनेस को लेकर जाते थे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को तो वहां पर लोग हमारा मजाक उड़ाते थे हमारे खुद के जो रिश्तेदार थे वो पहले ही फोन कर देते थे, थे कि यार ये बत्रा जी बहुत तकलीफ में है और ये पता नहीं क्या नए 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 काम करते रहते हैं इनके चक्कर में मत आना तो हमारे जितने भी शुभ चिंतक हैं जब भी हमारा कुछ शुभ होना लगता था उसको चिंता हो जाती थी ऐसा होता है अक्सर इस इंडस्ट्री में तो बहुत तकलीफ थी हमने अपनी वाइफ को समझाया था मेरी वाइफ को लेके जब मैं अपने एक फ्रेंड के गया घर गया तो फ्रेंड की वाइफ ने बोला कि आ, हमारे घर में कुत्तों का और सेल्समैन का आना मना है तो आप आ गए तो चाय पी के जाइएगा तो मेरी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ फिल्मों की मॉडल जैसी हूँ और मैं इसलिए तुम्हारे साथ घर घर जाके मैं एक सब करूंगी और इतनी बेजती करूंगी उठाऊंगी मैं नहीं करूंगी तो मेरे ससुर साहब ने भी मुझे बोला था ये बात कि अगर आप मेरी वाइफ मेरी बिटिया को घर में बैठा के खिला नहीं सकते तो मैं उसको वापस ले जाता हूँ यानी बहुत सारे चैलेंज आते हैं इस तरह के लेकिन हमने डटे रहे और हम हम उस जमाने में हमारे पास लोग नहीं थे तो एक हमारे खास मित्र थे इलाहाबाद में जो हमारे ऋणी थे मतलब वो हमारे से चीजें सीखते थे और वो चाहते थे कि मतलब मैं बत्र सरक सरक कनेक्ट रहूं तो उसका बड़ा एहसान था हमारे तो हमने उसको बोला तो बड़ा खुश हो गया बोले आप आइए मैं जरूर आपके कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करूंगा तो मैं इलाहाबाद चला गया जबलपुर से पांच दिन की टिकट लेकर मुझे लगा पांच दिन में इलाहाबाद में छा जाऊंगा कोई और यहाँ ज्वाइन नहीं हो रहा तो वहां ज्वाइन हो जाएगा जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तो मेरे शुभ चिंतकों का फोन पहले आ गया तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं जुड़ूंगा नहीं तो मैंने उसको बोला अगर तुम नहीं जुड़ते तो कोई बात नहीं अपने कुछ दोस्तों को बुला लो मैं उनको समझा देता हूँ उसने अपने दोस्तों को बोला कि मेरा एक दोस्त आया है जबलपुर से उसने कुछ कंसेप्ट बताना है आप आ जाइए खाएंगे पियेंगे और उसको मना कर देंगे तो पांच के पांच लोग तो इसलिए बैठे थे कि खाना पीना है और उसके बाद मना कर देना है और सबने मुझे मना कर दिया और मेरा दिल टूट गया वो रात ऐसी थी कि जहां पर मुझे डिसाइड करना था कि मुझे करना है कि नहीं करना ठीक है

तो हवाई जहाज की यात्रा देते थे और फाइव स्टार होटल में रुकते थे और पूरे देश में सेमिनार कराते थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बत्रा साहब आप कामयाब हो गए एक बड़े लेवल पर आ गए फाउंडर सेमिनार लेवल पर आ गए आप तो आपका सेमिनार पूरे देश में होगा पहले कहाँ चाहते हैं मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जो बोलते ना कि बहुत तकलीफ उठाई थी तो कहाँ का सेमिनार लेता मैं नेचुरली मैं इलाहाबाद का लेता तो मैंने इलाहाबाद उससे बोला तो उन्होंने मुझे क्या किया मोहित सर इलाहाबाद बनारस और लखनऊ का मुझे तीन जगह कर दिया और जब मैं इलाहाबाद पहली बार पहुंचा सेमिनार लेने तो मैंने अपने भाई के पास गया जो हमारा दोस्त था जी मैंने बोला यार कि आज एक कार्यक्रम है उसमें आपको इनवाइट करने आया हूँ बोले यार अभी तक आप वो सब कंपनियां कर रहे हो पता है तो चलती नहीं है और मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें मैंने जब उसको समझ लिया कि वो नहीं जाएगा क्योंकि मैं तो चाहता था कि सेमिनार में जाए तो मैंने उससे बोला कि एक डेढ़ घंटे का सेमिनार है अगर आप उसको अटेंड करेंगे एक बहुत अच्छे स्पीकर आ रहे हैं बाहर से बहुत ही टैलेंटेड है वो उनको अगर आप सुनेंगे एक घंटा तो आपको एक हजार रुपये मिलेगा सुनने का तो बोले ऐसा कैसे होता है मैंने कैसी होता है हमारी कंपनी मैं क्या चाहता था मोहित सर यस yes, सर कि वो सुने तो मैंने सुना एक हजार रुपये मिलेगा तो बोला अच्छा मैं अपने दोस्तों को लाऊंगा मैंने उन पांच दोस्तों को लाओगे तो उनको भी एक एक हजार मिलेगा क्योंकि अंदर था ना कोई दर्द सुनाने का तो वो पांच दोस्तों को बुला के बोला कि बत्रा साहब आए हुए हैं तीन साल पहले आए थे और अब वो एक एक हजार रुपए दे रहे हैं अपने को करना है क्या एक डेढ़ घंटा बैठना है जो समझ में आएगा सुनेंगे तो एक एक हजार रुपये ले लेंगे उसने मेरे को बोला देखो तुम्हारी कंपनी से मुझे कोई मतलब नहीं है अगर तुम्हारे सेमिनार खत्म होगा तो मैं हजार रुपया ले लूंगा मैंने कहा डन वहां पर हमें सुनने के लिए टिकट लगती थी लोग तीन सौ तीन सौ रुपये टिकट देकर सुनने के लिए आए थे जी. और मैंने उन पांच छह लोगों की टिकट ली थी और मैंने उनको टिकट दे दी मैंने कहा अभी स्पीकर आने वाले हैं मैंने उनको बताया नहीं कि मैं स्पीकर हूं जी और जब सात आठ सौ लोग वहां थे और सब लोग वहां खड़े होकर चिल्ला रहे थे हल्ला मचा रहे थे फूल फेंक रहे थे तब ने बोला कैसे नहीं आएंगे और सब खड़े हो गए सबको खड़े करा के जब उसने हल्ला किया तो मेरे जो भाई है ना वो भी बड़े गौर से देखने लगा कि कौन आएगा और वहां पर जो होस्ट है उसने बोला कि <coughs> उसने बहुत जोर से चिल्ला के बोला कि हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज सतीश एंड मंदा बत्रा फ्रॉम जबलपुर और जब मैं स्टेज पर आया लोगों ने बहुत हंगामा मचाया जब मुझे माइक मिला बोलने का मौका मिला तो मेरा जो भाई और मेरे जो उनके दोस्त थे वो सब कुर्सियों पे उनको बड़ा हैरानी हुई उनकी आंखों में बड़ा पानी सा आ गया उनको लगा यार कि मैं तो इसको समझता था किसी काम का नहीं है और आज इलाहाबाद जैसे शहर में मैं सत्तर लोग घट्ट नहीं कर सकता सात सौ लोगों को सेमिनार ले रहा है तो उसे बड़ा प्राउड फील हुआ जब मेरे हाथ में माइक आया और मुझे एक डेढ़ घंटा बोलना था तो मैंने पहली लाइन बोली कि आप लोग जानना चाहते हो कि जो मैं सफल हुआ हूँ आज और इतने सब लोग मुझे सुन रहे हैं इन सबके पीछे प्रेरणा किसकी थी जानना चाहते हो किसकी वजह से आज प्रेरित हुआ तो सब लोग चिल्लाए यस यस तो मैंने कहा वो जो लाल शर्ट पहन के पीछे बैठा ना मेरा भाई उसकी वजह से खड़े हो जाओ मैंने कहा तुम्हारे सब दोस्तों खड़ा करो इनकी वजह से मैं कामयाब हुआ हूं इनकी वजह से यस ये लोग हैं जिन्होंने मुझे कामयाब किया है तो मैं वहां पर जब ऐसा बोल रहा था तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे मैं उनको बता रहा था यहाँ पर द बिगेस्ट रिवेंज इन दर्ल्ड इज मैसिव सक्सेस द बिगेस्ट रिवेंज इन इज सक्सेस यानी अगर आपको किसी से बदला लेना है तो आप लड़ो मत उससे ज्यादा कामयाब होकर दिखा दो और उस समय मैं हमेशा बोलता हूँ आज आप काम कर रहे हो आपको कोई तकलीफ दे रहा है आज आपको कोई गलत बोल रहा है आज आपको कोई दिल दुखा रहा है कुछ मत बोलो काम करते जाओ काम करते जाओ काम करते जाओ आखिरी हंसी आपकी होने वाली है और आप प्रूव करके दिखाओगे और आप जो है इस इंडस्ट्री में आगे जाओगे और लोग आपको फॉलो करेंगे यही हमारे साथ हुआ और आज तक कभी भी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हर मोर्चे पर कामयाब हुए तो ये थी हमारी जर्नी जिसकी वजह से हमें एक्साइटमेंट रहता है हमेशा और हम जो है लोगों को बताते हैं इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है इसमें सिर्फ रिजेक्शन फेस करिए अपने माइंड को मेंटेन करिए आप सफल हो सकते हैं जी सर अरे सर ग्रेट ग्रेट जबरदस्त मतलब ये छोटे से इंटरव्यू में मात्र चार से पांच मिनट के अंदर आपने जो इसे लेके जेड तक का ज्ञान लोगों को दिया है ना और ये रिजेक्शन फेस करने वाले जितने लीडर्स यहाँ पे होते हैं ना रिजेक्शन आज की तारीख में अगर रिजेक्शन ना मिले तो समझो डेट सेलिंग इंडस्ट्री आपने करी नहीं आप बस बिना रिजेक्शन के आप पास हो गए ना इस इंडस्ट्री में तो समझो तुक्के से पास हो गए जो मेरा नजरिया सर सर मेरी मार्केट में जब आप पास होंगे मैं आपको बताऊँ मेरी मार्केट में जुलूस निकाला गया उसके बाद और पूरे व्यापारियों ने मेरे क्या हमारे जब फाउंडर एमरल बनते हैं तो जीप में निकालते हैं हजारों लोग साथ में चलते हैं तो हमारी मार्केट वाले लगा मैं कुछ नेता था बन गया हूँ मेरे खानदान के सारे वो रिश्तेदार दोस्त जितने लोग हमसे नाराज रहते थे या कुछ उन शिकायत थी सब बहुत खुश हो गया और आज पूरे परिवार में हमारा दो सौ शहरों में परिवार है हम लोग हैंडलूम बिजनेस से रिलेटेड है किसी भी परिवार में किसी बच्चे को कुछ भी चाहिए होता है कोई भी नया कुछ सीखना होता है उसके पिताजी मुझे फोन करते हैं यानी अपन खानदान के एडवाइजर हो गया आज की डेट में अरे सर, सर ग्रेट ग्रेट बहुत जबरदस्त आपने अपना जर्नी के बारे में बताया सर मैं अब दूसरे पार्ट पे चलता हूं जिस सिस्टम को हम प्रमोट कर रहे हैं लिव गुड जी गुड के साथ साथ डायर सेलिंग इंडस्ट्री में भी ना जाने कितनी चीज ऐसी मार्केट में है क्योंकि हर जितने भी 500 सौ लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं या जितने 100 200 300 YouTube पे लाइव यहाँ पे सुन पा रहे हैं ना जाने कितने लोगों तक तो ये सेशन जाएगा हर व्यक्ति का एक ना एक क्वेश्चन सामने निकल के आता है सर हम स्टार्टिंग में डायर सेलिंग इंडस्ट्री करते हैं यानी कि आज डायर सेलिंग इंडस्ट्री आप जानते हैं कि दो प्लस कंट्री के अंदर बड़े सिद्धत से लोग करते हैं बड़ी बड़ी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट भी करती है लेकिन इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं है सर और इसमें सबसे सब बड़ा पॉइंट जाता है कि लोग प्रोडक्ट को छोड़ के इन्वेस्टमेंट की तरफ क्यों रुझान कर रहे हैं इस पर क्या आप अपनी नहीं देना चाहेंगे सर मतलब पहला एक मैं इसको दो क्वेश्चन को एक साथ मैंने ऐड करा है यानी कि आज लोग डायर सेलिंग इंडस्ट्री में एक होता है कि ये प्रोडक्ट बेस पहले जाते थे लेकिन अब लोग सोचते हैं यार प्रोडक्ट क्या बेचना हम इन्वेस्टमेंट की तरफ रुझान कर लेते हैं तो इसमें आपकी प्रतिक्रिया सर क्या है और प्लस ज्यादा ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं हो जाते इस इंडस्ट्री में जब लोग कहते हैं सर मर्सिडीज जैकवार सब पे आ जाती है तो सब पे क्यों नहीं आ पाती कुछ चुनिंदा लोगों तक ही क्यों जा पाती है इस चीज का मैं चाहता हूँ आप जवाब दें सर थैंक यू सर थैंक यू बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न जो जा है ज्यादातर लोग सोचते नहीं है इस बात को कि इतने सारे लोग इंडस्ट्री में जुड़ते हैं फिर उसमें सब लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते तो उसकी वजह यह है सर कि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर लोगों को दुनिया भर पे विश्वास होता है खुद पे विश्वास नहीं होता जिन लोगों को खुद पे विश्वास नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी भटक जाते हैं तो हमारे देश में हम लोग चूंकि बड़े धार्मिक लोग हैं तो दो चीजें चलती हैं या तो आप भक्ति के मार्ग से कहीं चले जाए या ज्ञान के मार्ग से कहीं चले जाए यानी हनुमान जी जो है वो भगवान श्री राम को फॉलो करते चले गए उन्होंने दिमाग लगाया नहीं तो भक्ति के मार्ग से आगे निकल गए यानी आप अपने ऐसा अपलाइन ऐसा मेंटर ढूंढ लीजिए और उसको आप बंद करके फॉलो करिए आप जीत जाएंगे या फिर आप ज्ञान के मार्ग से जाए जैसे अर्जुन ने कृष्ण साथ डिस्कशन किया और बहुत सारी डाउट को दूर किया और ज्ञान के मार्ग से आते आगे चले गए यानी आप खुद स्टडी करिए आप अपने अपलाइन को फॉलो करिए आप अपने मेंटर्स को फॉलो करिए और ज्ञान के माध्यम से आगे चलते चाहिए दो ही मार्ग हैं लेकिन ज्यादातर तो लोग क्या करते हैं वीएड हो जाते हैं वो ना किसी को फॉलो कर पाते हैं और ना ही वो कोई ज्ञान ले पाते हैं और वो चाहते हैं कि जैसा लोगों को पैसा आया वैसा पैसा आ जाए पुराने जमाने में हमारे को लोग जैसे हम लोग पढ़ते थे ना तो हमारे टीचर्स हमको पिटपीट भी देते थे तो हमारे पिताजी को कोई बुरा नहीं लगता था वो बोलते थे और मारो लोग अच्छा पढ़ना चाहिए आज अगर किसी बच्चे को टीचर पीट देती है तो वो कोर्ट में चले जाते हैं तो आज लोग थोड़ा सा भी दर्द नहीं सहन करते थोड़ी सी भी तकलीफ सहन नहीं करते थोड़ा सा भी किसी ने कुछ बोल दिया तो दिल पे ले, ले लेते हैं और बिजनेस छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा तो जो लोग जो भी चाहे सफल हो सकता है एक जिद्दी आदमी जो होता है ना आंट्रप्रेनर का मतलब क्या आप एक आंट्रप्रेनर बन रहे हैं देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई नौकरी करने का बिजनेस थोड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप ओनर बनते हैं आप खुद एक ऑन्टरप्रिनर बनते हैं ओनर बनते हैं और हजारों ओनर्स बनाते हैं हमारा बिजनेस कोई नौकर बनाने का बिजनेस नहीं है हमारा बिजनेस मालिक बनाने का बिजनेस है तो आपको अनुभव होगा नौकरी करने का आपको अनुभव होगा नौकर रखने का आपको अनुभव होगा दुकान चलाने का लेकिन क्या आपको यह अनुभव है कि आप हजारों मालिकों को एक साथ लेके चले तो वो अनुभव है सीखना पड़ेगा तो लोग उसको सीखते नहीं है और उसकी वजह से वो कामयाब नहीं होते रिजेक्शन उठाते नहीं है जल्दी से हार मान लेते हैं लेकिन जो लोग रिजिलियंस होते हैं जिद्दी होते हैं वो सफल हो जाते हैं दूसरी बात आपने बताई कि लोग इन्वेस्टमेंट प्लान में क्यों जा रहे हैं लोग प्रोडक्ट बेस को क्यों छोड़ रहे हैं तो उसका बड़ा कारण मुझे लगता है सर कि देखिए लोग जो है ना प्रोडक्ट बेस से परेशान हो चुके लोगों को ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट बेस की जो हमारी दुनिया थी जिसको हमने बीस साल किया उसमें क्या था सर कि महंगे प्रोडक्ट थे और उसे लोगों को समझाना पड़ता था पीछे पड़ना पड़ता था और ऐसा कई बार हुआ लोगों ने चिपका दिया और भाग गए प्रोडक्ट मतलब दस दस हजार के प्रोडक्ट यहाँ वहां की बातें करके रिश्तेदारों को जबरदस्ती दे दिया कि मेरा टारगेट है आप तो बस कर लो साले को धमका दिया बॉस ने चेले को धमका दिया तो लोग टिका देते थे प्रोडक्ट और भाग हाँ। जाते थे अपने टार्गो करने के लिए यानी जितने खेल खेल सकते लोगों ने खेले हैं क्योंकि प्रोडक्ट महंगे होते थे और लोगों को टारगेट अचीव करने के लिए प्रोडक्ट बेचने पड़ते थे घर को गढ़ाउन बनाना पड़ता था लेकिन अब हुआ क्या कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत तेजी से बदली हम लोग इंटरनेट पे आ गए अब जो है जमाना ऐसा आ गया मोबाइल सबके हाथ में आ गया कोरोना के बाद और ज्यादा हम लोग कंप्टिशन में आ गए तो अब बड़े बड़े जो ट्रेडिशनल हब हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे वॉलमार्ट है जैसे कॉस्को है जैसे अमेजोन है फ्लिपकार्ट है ये सब लोगों ने एक बात समझ ली कि प्राइस इतने कम कर देंगे इतने कम कर देंगे कि कस्टमर बढ़ जाएंगे तो कवर हो जाएगा ऐसे में नेटवर्क इंडस्ट्री प्राइस कम कर नहीं पाई क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को पैसा बांटना था तो उनकी सेल कम होती चलेगी और प्रोडक्ट बेच में लोगों का प्रोडक्ट बिक नहीं रहा लोगों को बड़ी तकलीफ आ रही तो आसान रास्ता ढूंढ रहे थे और हमारे पास दो प्रवृत्तियां जो बहुत काम करती हैं एक प्रवृत्ति है लालची प्रवृत्ति और एक प्रवृत्ति आलसी प्रवृत्ति कहीं हम लोगों को बोलते हैं मोहित सर दो प्रवृत्तियां हैं एक बोलते हैं लालची और दूसरी आलसी ये इंसान के अंदर रहती है आ, मैं मानता हूँ कि ये निन्यानवे परसेंट तो भारत में जाते हैं सर तो उसमें होता क्या है सर कि हमारे जो नेटवर्कर लोग है खासतौर से इन्वेस्टमेंट वाले इन दो प्रवृत्तियों को जगाते हैं वो बोलते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा कुछ नहीं करना पड़ेगा बस ये पैसा लगा दो तो कुछ नहीं करना पड़ेगा करेक्ट जैसे जैसे बोलते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा तो लोगों की आलसी प्रवृत्ति जाग जाती है लगता है उनको लगता बहुत बढ़िया फिर वो बोलते देखो इतना पैसा इसको आ रहा है इतना इतना इसको इसको आ आ रहा रहा है है वो ऐसा दिखाते हैं करोड़ करोड़ रुपए लोगों को आ रहा है तो लालची प्रवृत्ति जाग जाती है और लगता है हमको भी आ जाएगा तो करना क्या पड़ेगा बस पैसा लगाना है तो इस तरह से हमारी क्रिप्टो करेंसी और जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट प्लान चले और ऐसे चले कि जितने लोग शुरुआत में जुड़ गए वो आगे निकल गए जितने लोगों ने जो है ना आगे बढ़ के जो है आगे जाके मुफ्त हुआ नहीं उनका चैनल तो पिट गए सरकार क्या चाहती है सर देखिए सरकार ये चाहती है कि कोई धोखाधड़ी नहीं करे जब भी कोई कंपनी आप बनाए तो साथ में प्रोडक्ट होना जरूरी है ठीक है भले ही प्रोडक्ट कंपलसरी ना हो खरीदना पर प्रोडक्ट होना जरूरी है हमारे देश की डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन है हमारे जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारामन जी हैं उन्होंने नया अभी गाइडलाइन अभी जो है तेईस में दो हजार तेईस में फरवरी में चिटफंड जो हमारी एक्ट है उसको, उसको बताया है कि यार हमको किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो तो प्रोडक्ट साथ में होना चाहिए तो ये जो चीजें हैं लोग समझते नहीं है और इसलिए जो कंपनियां प्रोडक्ट छोड़कर काम करती इन्वेस्टमेंट में को आदि तो कल बंद होना रहता है और इससे लोग भटकते रह जाते हैं इंडस्ट्री बहुत अच्छी है मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सब लोगों से जो इंडस्ट्री में है तो किसी भी ऐसी कंपनी के साथ जरूर जाए जिसके साथ प्रोडक्ट हो भले प्रोडक्ट आपको ई e कॉमर्स की तरह एक एमेजोन की तरह खुद लोग खरीदें लेकिन प्रोडक्ट होने चाहिए और जो कंपनी है उसका उसका जो प्लान है वो बहुत एडवांस होना चाहिए तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बाकी जो फालतू के प्लान है उससे इंडस्ट्री बदनाम होती है उसे ना करें कभी भी सर मेरा ये आंसर है जी जी बहुत बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगा आपका आंसर जानकर बड़ा लोग प्रभावित भी हो रहे थे आपका आंसर देख के बड़े क्लैपिंग कर रहे थे चाहे वो बात करूं महेंद्र जी की बात करूं टीसी शर्मा जी लोग खुश थे आपका आंसर से और एक आंसर इसमें से क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल जाता है सर वैसे मैं तीसरा क्वेश्चन करूं तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी जब आपने कहा कि प्रोडक्ट को लेकर लोग जब कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं ना आपके पास प्रोडक्ट ही होना चाहिए जब आप डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी को लेके आ सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है जो आपको मतलब चौके पे छक्का भी मार सकता है सर छक्का अच्छा, ये है कि आपने चलिए मैं तो सीख रहा हूं। और सीख रहा और जाऊंगा सर आपसे, आप आ, सर आप हमारे मेंटर पर अरे नहीं तो ये मतलब क्वेश्चन इसलिए है कि बाउंस बैक यहाँ पे होना जरूरी है और यहाँ पे लोगों को नहीं लगना चाहिए कि स्क्रिप्टेड है क्योंकि मैंने जो भी आपसे ट्यूनिंग बनाई है ना कि उन द पोट ऐसे गहरे गहरे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आज की तारीख में सभी लोगों के पास नहीं होगा जो पांच लोग सुन पाने हैं अभी सर आपने कहा कि आपने एक लास्ट कंपनी में बड़ा एक्सपीरियंस आपका रहा था जब आप जाते थे स्टेज पे हजारों लोग देखते थे क्लैपिंग करने लग जाते थे एक अच्छा ब्रांड वैल्यू आपने वहां पे बनाया लेकिन लेटेस्ट आपने एक कंपनी की शुरुआत करी है जिसका नाम है लिव गुड अगर जी मैं बात करूं इस कंपनी के मकसद से तो पचास डॉलर इस बिजनेस के अंदर इन करके विदाउट प्रोडक्ट आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो सर अगर मैं कहूं तो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे भी है यानी यानी कि कि यान भी आप प्रोडक्ट कंपनी आपको नहीं दे रही पचास डॉलर आपको दे कंपनी कहती है कि पचास डॉलर से आपने इन करा और आप विदाउट प्रोडक्ट अगर दूसरे को इन कराते हो तो आपको एक तौर पे पे इनकम मिलेगी और आपने पे एक बात कही कि सर प्रोडक्ट होना किसी भी कंपनी के लिए जरूरी है अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना है तो दोनों बातें अलग अलग है क्यों आपने इस बिजनेस को सुना जिस बिजनेस में आज करीब करीब नजर इंडिया से तीस से चालीस हजार लोग की जिंदगी दाव पर लगी हुई है तो ये जर्नी मैं आपसे जानना चाहूंगा सर लिव गुड की श्योर सर श्योर देखिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप हमारे मेंटर है मैं आपसे काफी कुछ सीख रहा हूँ लिवकुट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है देखिए मैं आपको बताऊँ और लिवकुड जो है ये इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस प्लान है इसे मैं नहीं कहता ये बहुत सारी थर्ड पार्टी एजेंसी कहती है क्यों है ये एडवांस वर्जन है इसमें एफलेट मार्केटिंग भी है इसमें ई e कॉमर्स भी है और इसमें नेटवर्क मार्केटिंग भी है ठीक है हमारी सरकार की गाइडलाइन ये है कि आप कोई भी काम करते हैं इस तरह का उसमें प्रोडक्ट होना चाहिए लेकिन प्रोडक्ट खरीदना कंपलसरी नहीं होना चाहिए यह हमारे सरकार की गाइडलाइन में आप जाके देखेगा डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट खरीदना कंपलसरी नहीं होना चाहिए अगर कोई कंपनी बातें करती है कि अगर आप प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो हम आपको निकाल देंगे प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो आपको रैंक नहीं देंगे प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो कंपनी गलत है ऐसा सरकार कहती है तो हमारे देश की जो गाइडलाइन है उसमें है कि प्रोडक्ट होना चाहिए पर प्रोडक्ट खरीदना कंपलसरी नहीं होना चाहिए तो थोड़ा सा थोड़ा सा इंटरप्ट बतरा सर आपको करूंगा मैं मतलब यहाँ पे दो बातें हैं सर मतलब आप क्योंकि हम भी जो मार्केट में जाते हैं तो हम कहते हैं हमारी कंपनी के पास प्रोडक्ट है लेकिन ये ऑप्शनल है तो मतलब अगर हम भारतीय गाइडलाइन के अनुसार देखा जाए तो एक कंपनी का जो प्रोडक्ट कंपनी हमें दे रही है तो ये ऑप्शनल हमें दे रही है कि आप पे कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको प्रोडक्ट खरीदना ही मतलब कुल मिला हम यहाँ पे गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं अरे सर थैंक यू वेरी मच अब आप आगे कर सकते हैं सर तो दूसरी बात क्या है सर की इन्होंने एक चीज बहुत मजबूत देखी कि अगर हम प्रोडक्ट कंपलसरी नहीं करेंगे और प्रोडक्ट महंगे भी नहीं देंगे क्योंकि ये लोग 20 साल से जो है 70 साल पुराना ब्रांड है लेपगुट लेपगुड कोई आज की कंपनी नहीं है जैसे टाटा बिरला अंबानी है ना हमारे देश में वैसा वो उनकी वैल्यू वहां पर क्योंकि इसने कम से कम आज लेवगुड में पिछले बीस सालों में अपने ही ग्राहकों को बीस आ, एक बिलियन डॉलर से ज्यादा बांट चुकी है यानी उसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो 900 करोड़ रुपए ऑलरेडी वो बांट चुके हैं 900 करोड़ रुपए तो उनका बहुत बड़ा फेथ है उनका उनका इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट है उनका अच्छी ब्रांडिंग है अमेरिका में तो वो डायरेक्ट सेलिंग को बीस साल से फॉलो कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के इश्यूज क्या है चैलेंजेस क्या है तो उन्होंने इसको स्टडी किया कि चैलेंज यह है कि अगर प्रोडक्ट महंगे होंगे तो लोग लेंगे नहीं क्योंकि तो आजकल लोग मोबाइल पे हैं और कंपेयर कर लेते हैं और अगर प्रोडक्ट से कमीशन देते हैं ठीक है तो यहाँ पर प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे प्रोडक्ट से कमीशन नहीं दे तो फिर क्या करें क्योंकि लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो लोग प्रमोट नहीं करेंगे तो उन्होंने एमेजोन वाला एक मॉडल अपनाया उन्होंने मॉडल अपनाया कि हम लोग ऐसा काम करेंगे जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाएंगे जैसे कास्को है वॉलमार्ट है या एमेजॉन है उस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें कि हर आदमी की चॉइस रहेगी खुद खरीदने की क्योंकि हमारी दुनिया में हर आदमी खरीदना चाहता है लोगों को शॉपिंग बहुत पसंद है लेकिन बेचे जाना पसंद नहीं है कोई इसको बेचने आता है कोई चिपकाता है कोई पीछे पड़ता है तो बुरा लगता है तो यहाँ पर उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया ई कॉमर्स में रह के कि आपके पास प्रोडक्ट है और जिसको जो मन करता है खरीद सकता है कुछ कंपलसन नहीं है अब पैसा कैसे बांटेंगे क्योंकि ट्रेडिशनल में क्या होता है कि बस पांच छह एजेंसीज को बांटना होता है रिटेलर है होलसेलर है स्टॉकिस्ट है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लोगों को बांटना होता है तो इसलिए जो जो फंडामेंटली हमने चेक किया ये आप और भी चेक करिएगा मेरा एक्सपीरियंस है कि, कि किसी भी चीज को बेचना है तो उसको सौ परसेंट से बांटा जाता है कि थर्टी थ्री परसेंट में की सारी खर्चे आते हैं थर्टी थ्री परसेंट में एडवर्टाइजमेंट आता है टैक्स आता है और कंपनी को मुनाफा आता है और थर्टी थ्री परसेंट लोग बांटते थे तो ये ट्रेडिशनल सेटअप होता है लेकिन नेटवर्किंग में सौ की चीज पांच सौ बिकती है क्योंकि उनको चार सौ बांटना होता है तो अब ऐसे में वहां पर सेल आ नहीं रही तो उन्होंने एडवांस वर्जन किया कि रखा सौ रुपए ही रेट जो मार्केट प्राइस है और उसी में उन्होंने प्रोडक्ट पे पैसा बांटा आज हमारे प्रोडक्ट पे आपको जो है पैसा बहुत कम मिलता है लेकिन कैसे कवर करेंगे आपको कैसे देंगे तो उन्होंने पकड़ लिया वो लीगल एथिकल है जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आज दुनिया में सबके सब एफलेट सब पे काम करते हैं मेंबर बना के पैसा बांटते हैं सुविधा देते हैं मेंबर बना के पैसा बांटना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था और हर कंपनी के पास करोड़ों करोड़ एफलेट हैं तो उन्होंने इस ऑप्शन को चुना और ये बहुत ही लीगल एथिकल है तो इससे वो भरपूर पैसा बांट पाते हैं एफलेट में लोगों को और प्रोडक्ट पे वो अपना अलग से पैसा दे पाते हैं तो दोनों जगह विन विन सिचुएशन हो गई इसलिए मैं कहता हूं कि लिव गुड जो है वो ई कॉमर्स भी है लिव गुड जो है वो एडवांस वर्जन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग भी है और लिव गुड जो है वो एफलेट मार्केटिंग भी है तो इस तरह से ये बहुत ही एक नपातुला बेहतरीन एक सोची समझी योजना है और इसे वर्ल्ड वाइड फैलाने में इसको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता ये लेटेस्ट ट्रेंड है इसलिए हम इस बिजनेस में हैं सर यस सर यस यहाँ सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल जाता है हमने इस चीज आपकी एक्सेप्ट कर ली कि एक 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 ट्रेंडिंग मॉडल है जिसे लोगों ने एक्सेप्ट करा करीब करीब आठ साढ़े आठ लाख पूरे दो सौ कंट्री से कर, साथ कनेक्ट हो गए इस बात से मैं एग्री करता हूँ लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल जाता है कि कंपनी चालीस डॉलर से आपको लाइफ टाइम की मेंबरशिप आपको दे देती है दस डॉलर एवरी मंथ देना जी हमारे नजरिए से तो सर गलत है आपके नजरिए से क्या है अब मैं इस नजरिए से गलत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निन्यानवे परसेंट लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं सर हम नाइन पॉइंट नाइन फाइव एवरी मंथ क्यों दें यानी कि हमें प्रोडक्ट तो मिलता नहीं है तो नाइन पॉइंट नाइन फाइव डॉलर आपके नजरिए से क्या लेना कंपनी के लिए सही है या इसमें आप क्या एडिशनल एड करना चाहेंगे कितनी चीज सही है कितनी चीज गलत नजरिए से लोग इसको देखते हैं मैं चाहूंगा बता सर आप इस पर आंसर करें बहुत अच्छा प्रश्न है देखिए मैं आपको बताता हूँ जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान है वो क्या करते हैं कि वो आपसे एक बार पैसा लेते हैं और उसको पांच देते हैं आपको ठीक है और उससे फिर अगले महीने आप पैसा नहीं मिलता आपको इसलिए टीमें बन नहीं पाती बिजनेस आगे बढ़ नहीं पाता और वो कोलेप्स हो जाता है तो इन्होंने सोचा कि ऐसा क्या करें ताकि हर महीने लोगों को पैसा देते रहे तो इन्होंने एडवांस वर्जन बनाया कि हम दस डॉलर अलग से हर महीने लेंगे अब इसको किस तरह से हम बताते हैं मैं बताता हूं कि आपको कंपनी चालीस डॉलर लाइफ टाइम लेती है और वेबसाइट बना के देती है आपको एक ऐसी यूनिक वेबसाइट जो कि आप आमतौर से कहीं बनाएंगे तो चार पांच हजार में ही बनेगी उससे कम में नहीं बनेगी वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन होता है चालीस पचास हजार लाख रुपए से कम हम खुद नहीं बनवा सकते और कंपनी ने सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए इसमें इस सिस्टम को बनाने में तो वो हमारे नाम की एक वेबसाइट हमको देते हैं केवल चार हजार छह सौ रुपए में रुपए मान लेते चालीस डॉलर में लाइफ टाइम के लिए उस वेबसाइट में हम जो है तीन तरह की वेबसाइट है एक में अपने खुद के प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं एक वेबसाइट हमारी प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हैं उससे कमीशन आ सकती है एक वेबसाइट है हमारी जो हमारा लीड कैप्चर पेज है जिसमें हम लोगों को शामिल कर सकते हैं अपने साथ में तो ये यूनिक चीज हमें दे रही है सिर्फ तीन हजार छह सौ रुपए में यानी चालीस डॉलर में लाइफ टाइम के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए वो दस डॉलर ले रही है मैं तो लोग ऐसे बताता हूँ कि एक हजार रुपए महीने वो उसकी मेंटेनेंस करते हैं हमारे लिए नए 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 एडिशन करते हैं वेबसाइट में और उसकी मेंटेनेंस का ले रहे हैं लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी बात है यहां पर लिवगुड में कि आपसे वो चालीस डॉलर लेते हैं और दस डॉलर महीना लेते हैं लेकिन आपको पूरा का पूरा जो पैसा है वो अस्सी तो आपको पहले ही बांट देते हैं और जो दस डॉलर लेते हैं वो उसको भी पूरा बांट देते हैं अगर आप मैं आगे अगर आप बात करोगे और बोलोगे मुझे मौका दोगे तो मैं प्लान की गहराई बताऊंगा कि किस तरह से पूरा पैसा बढ़ जाता है कंपनी का कहना ही है कि हमको पैसा चाहिए प्रोडक्ट सेल पर हमको आपके नेटवर्क पे पैसा नहीं चाहिए अगर नेटवर्क की कोई पैसा कटता भी है तो सिर्फ और सिर्फ उसको मेंटेनेंस के खर्च काटते हैं यानी वो नेटवर्क का को कोई पैसा नहीं चाहते वो चाहते हैं कि आप नेटवर्क बनाइए और वो नेटवर्क जब प्रोडक्ट खरीदेगा तो हमको कमाई होगी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कंपनी इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है इसमें कुल आठ नौ महीने में इतना पैसा लगा चुकी है और वो सिर्फ ये चाहती है कि नेटवर्क बने और नेटवर्क में पैसा बटेगा तो नेटवर्क बनेगा तो पूरी शिद्दत से वो पैसा नेटवर्क में बांट रहे हैं चाहे वो चालीस डॉलर ले रहे हैं चाहे वो दस डॉलर ले रहे हैं चाहे वो साल एक सौ चालीस डॉलर ले रहे हैं सबका सब आपको बांट रहे हैं अगर कुछ पैसा कटता है तो सिर्फ और सिर्फ खर्च के लिए कटता है अदरवाइज वो तो पूरा बांट रहे हैं उनका फोकस है प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे पे बेस काम करना सेल करके पैसा कमाना ये बहुत ही सच्चाई ईमानदारी की कंपनी की है और एक एक चीज का वो हिसाब देते हैं मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ इसके साथ अरे सर थैंक यू वेरी मच और मैं इस जितने लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट हैं और बड़ा मतलब जो जवाब आपने दिया है ना बड़ा स्ट्रिक्टली या बिल्कुल कट्टू कट वाला जवाब है मतलब कहीं भी फंबल नहीं है मतलब एक्सपीरियंस होल्डर है, दिखते हैं जो बत्रा जी हमारे यहाँ पे हैं एज ए गेस्ट पहले एपिसोड मुझे लगता है मोहित सर की क्लास का सुपर डुपर हिट जाने वाला है अब यहाँ पे क्वेश्चन और जबरदस्त आता है सर और ये क्वेश्चन ऐसा है कि सबके सब, सब चेहरे पे स्माइल आ जाएगी सौ प्रतिशत जिन्होंने वीडियो लाइव किया हुआ है अच्छा। जो चैनल पे लाइव देख रहे हैं सबके चेहरे पे स्माइल जब मतलब आज क्लास लग रही है बत्रा जी की जब कंपनी इतना पैसा देती है वो बात हमने एग्री कर लिया सब लोग डायमंड क्राउन डायमंड प्लेटिनियम अच्छा पैसा कमा रहे हैं लेकिन ये कंपनी की जो एक पिछले छह महीने से आठ महीने से मार्केटिंग चल रही है कि बिना कुछ करे दो डॉलर कमाओ बिना कुछ करे दो लाख रुपए आपको आएंगे आप एक बार पचास डॉलर डाल दो आप एक बार एक सौ चालीस डॉलर डाल दो आपको हर साल कुछ नहीं देना हर महीने आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी बस तो तीन महीने लगातार काम करते रहे क्या आप तो इस बढ़ावे में आकर सर आपने ज्वाइनिंग नहीं, नहीं करी या कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से मार्केटिंग कर रहे इवन कंपनी भी इस तरीके से मार्के, मार्केटिंग कर रही है तो आप इस पर रा, राय देना चाहेंगे सर सर <laughs> आज तो की क्लास सही में लग गई है और ये वाकई में सही बात बड़ा है बड़ा हॉट क्वेश्चन है ये लोग पूछते हैं यूट्यूब पे, पे, पे लिवगुड सर्च करने की जरूरत नहीं है दो डॉलर कैसे कमाए लिवगुड आ जाएगा <laughs> आप YouTube पर सर्च करो दो हजार सैतालीस डॉलर कैसे कमाए निन्यानवे परसेंट लिविड की वेबसाइट ऑटोमेटिक आ जाएगी यानी फ्री से ज्यादा प्रमोट है सर कि बिना कुछ करे पैसा तो इसमें कंपनी की क्या मार्केटिंग रही और लोगों ने इसे से मार्केटिंग करा आपको क्या लगता है कि कंपनी की ये मार्केटिंग सही है कितना गलत है इंडिया के लिए तो मैं चाहूंगा इस पर आप क्या प्रतिक्रिया अपनी देना चाहेंगे सर बहुत बहुत सही प्रश्न है और सच में प्रश्न आता है हर बार आता है टू जीरो फोर सेवन पॉइंट फाइव डॉलर यानी लगभग पौने दो लाख रुपए तो इसमें इस स्पष्ट रूप से कंपनी ने अपनी वेबसाइट में लिखा है कि अगर आप अपनी टीम में एक भी व्यक्ति शामिल नहीं करते तो भी आपको एक ना एक दिन जो है पौने दो लाख रुपए डेढ़ से दो लाख रुपए आएगा ही आएगा ये पक्का है जी। तो जब ये विज्ञापन दिखता है तो लोग बड़ा हंगामा करते हैं और सच में ये हंगामा करें इसलिए ये दिखा गया है आज अगर मान लीजिए एक सोशल मीडिया एक समुंदर है आप एक समुद्र में काम कर रहे हैं वहां पर एक पत्थर मारेंगे तो थोड़ी सीपर उठेगी बंद हो जाएगी जंगल में मोर राजा किसने देखा लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से लोग आपको फोकस करके देखें आज अगर मान लीजिए अः ऐड देखते हैं हम लोग एक डीओ का एड आता है उसमें एक हीरो आता है है बोलता कि ऐसा मैं डियो मारूंगा तो लड़कियां जो है आ जाती है जैसे वो दिखाते हैं डीओ अपनी बॉडी पे डालता है और लड़कियां एकदम तो पीछे दौड़ पड़ती है इसको देखकर हमारे मित्र ने खरीद के लाए सड़क पे कई बार स्प्रे करते रहे कोई लड़की नहीं आई कई बार फिल्म जो है वो एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाई से कूद जाते हैं और बोलते हैं इसको पीने से आपको ताकत आ जाती है तो इस तरह के विज्ञापन बनते हैं कि नहीं तो ये हमारी कंपनी का विज्ञापन है जिससे कि आपको अट्रैक्ट करे ताकि आप चीजों को समझ पाए लेकिन ये ये विज्ञापन बेबुनियाद नहीं है जो विज्ञापन कंपनियों के चलते हैं कि आप कोल्ड लेके छत से कूद जाए और आपको कुछ नहीं होगा यहां पर जो है ये विज्ञापन जो है जिसमें बोला जा रहा है कि टू जीरो फोर सेवन पॉइंट फाइव डॉलर आपको मिलेगा ही मिलेगा तो इसके पीछे बेस है सर उसके पीछे बेस ये है कि हमारी कंपनी जो है उसकी सिंगल लेक चलती है ये एक बहुत बड़ी बात है कि कंपनी ने सारा का सारा इसको समझा कि सिंगल है क्या बाइनरी क्या जेनरेशन क्या बाइनरी जनरेशन का मैट्रिक्स प्लान क्या, जितने टाइप के होते हैं सबकी स्टडी करके एक प्लान बनाया कि आप कंपनी की 200 कंट्री में एक सिंगल लेग है सब एक 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 के के नीचे नीचे ज्वाइन होंगे लेकिन एक के नीचे एक ज्वाइन करने में कुछ हो सकता है कोई बोले यार ये इसको वहां रहना था मुझे वहां करना था कुछ भी इसमें दिक्कत हो सकती है तो कंपनी ने क्या किया टू बाई फिफ्टीन का एक फोर्स मैट्रिक्स प्लान बना दिया कि आप जब भी स्पॉन्सर करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको अरेंज करेगा कि आपके बाद दो दो के बाद चार चार के बाद आठ आठ के बाद सोलह सोलह के बाद बत्तीस ऐसे कि बढ़ते क्रम में आप अरेंज हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आप बारहवें लेवल पे पहुंचेंगे तो आपकी टीम में टोटल आठ हजार कुछ लोग हो जाएंगे और वहां पर आपको जो है कंपनी ये कहती है कि हमने जो दस डॉलर लिए हैं उस दस डॉलर का जो है पॉइंट टू फाइव परसेंट यानी लगभग अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो तेईस रुपए प्रति व्यक्ति हर किसी को मिलेगा इस तरह से उसने दस डॉलर का डिस्ट्रीब्यूशन किया अगर आपकी टीम में एक हजार लोग हैं तो आपको तेईस हजार रुपये मिलेगा सौ लोग हैं तो दो हजार तीन सौ रुपये मिलेगा और अगर आपकी टीम में आठ हजार से ज्यादा लोग हैं तो आपको पौने दो लाख रुपये मिलेगा ये हर किसी के लिए मैट्रिक्स बनेगा ये बनेगा ही क्योंकि प्लान इस तरह का है लेकिन कंपनी कोई टाइम नहीं देती कंपनी ये नहीं बोलती कि आपको छह महीने बन जाएगा एक महीने बन जाएगा दस साल बन जाएगा कंपनी को पता है कि इसका कोई टाइम दिया नहीं जा सकता क्योंकि इस तरह से फैलता हुआ स्ट्रक्चर है कब किसके नीचे कौन आएगा नहीं मालूम लेकिन सच्चाई है कि आज आप वीडियो उठा के देखिए आज यूट्यूब में डालिए आप तो ऐसे सैकड़ों वीडियो मिलेंगे आपको इंडिया के ही जिसमें किसी के नीचे पचास लोग आए किसी के नीचे बीस लोग आए किसी के नीचे लोग आए किसी नीचे दो सौ लोग आए अब वो दो सौ लोग बिना स्पॉन्सर किए आए हैं और दो सौ लोगों का पॉइंट टू फाइव डॉलर के हिसाब से लगभग चार पांच हजार रुपए आया है लोगों को दस दस पंद्रह पंद्रह हजार आया है तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये नेटवर्क बढ़ेगा आज हम लोग आठ लाख तक पहुंचे कल को हम एक करोड़ पहुंचेंगे फिर सौ करोड़ पहुंचेंगे तो जब हमारा टीम बड़ी होगी और आप अभी जल्दी प्लेस हो जाते हैं इसमें सारा खेल जल्दी प्लेसमेंट का है जो आज प्लेस कर लेगा अपने आपको फटाफट जाके लाइन में लग जाएगा अपनी आईडी प्लेस कर देगा चार हजार छह सौ रुपए देके या पचास डॉलर देके या एक सौ चालीस डॉलर देके फिक्स कर लेगा और हर महीने नियम से दस डॉलर देता जाएगा तो एक ना एक दिन उसको ये दो, दो टू जीरो फोर सेवन यानी दो हजार सैतालीस डॉलर यानी पौने दो लाख रुपए पर मंथ आएगा ही आएगा ये पक्का है क्योंकि इस तरह से उसको डिजाइन किया गया और लोगों को आया भी है लेकिन जरूरत यह कि आपको जल्दी से उसमें प्लेसमेंट करनी है और बने रहना हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी हो जाते अभी कंपनी को नौ महीने तो तो हुई है कुल अभी तो हमने शुरुआत की है तो जो लोगों को दो महीने तीन महीने को मिलता हूँ अरे हम तो करके छोड़ दिए तो हमने कहा क्या करके छोड़ दिए बोले हम तो लिव उठ करके छोड़ दिए तो हमने क्यों छोड़ दिए उसमें तो क्या खर्चा आता है? है ना आज मैं देखता हूँ करोड़ करोड़ पति लोग हैं बहुत पैसे वाले लोग भी हैं तो मैंने कहा उसका खर्चा कितना आता है मालूम है तीस रुपए पर डे का तीस रुपए पर डे में आपने क्या खोया मालूम है आपको आप देखिए अगर आप 900 या हजार रुपये हर मैंने देते जाते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है आपको पूरे देश में एक नई न्यूज मिलेगी आपको डेवलपमेंट मिलेगा आपको बहुत सारे प्रदेश में साथी मिलेंगे आपको जितने भी लोग आपको जो भी कंपनी डेवलपमेंट कर रही है ई में रोज मैसेज मिलेगा आपको अच्छे लोगों की संगत मिलेगी आप पॉजिटिव एसोसिएशन में रहेंगे एक बहुत बड़ी संस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज जिसके साथ हम लोग यहाँ पर हैं टीम फ्यूचर ब्राइट जो कि मोहित सर ने बनाई हुई है हम लोग उसके बड़े बड़े फैन है दीवाने हैं सिपाही है उसके उसमें आप देखिए एक आम आदमी आता है और उसके अंदर की स्किल डेवलप करते हैं जिस तरह की एजुकेशन मैंने फ्यूचर अपना टीम फ्यूचर ब्राइट में देखी है इस तरह की अगर एजुकेशन हम विदेशों में लेते हैं तो पचास हजार रुपए पर मंथ खर्च करना पड़ेगा कम से कम उस एजुकेशन को बहुत सर उनकी टीम फ्री में दे रही है तो लोगों को सिर्फ आप ये मान के चलिए कि आपने फ्यूचर ब्राइट टीम फ्यूचर ब्राइट की मेंबरशिप ले ली है साढ़े चार हजार रुपए में चार छह सौ रुपए में एक बार देखिए और आप हजार रुपए जो टॉप अप कर रहे हैं ये फ्यूचर ब्राइट के एजुकेशन सिस्टम का दे रहे हैं आप जाइए का दे रहे हैं आप अगर ये मान के चलते हैं कि मैं महीने भर जो, जो मीटिंग में आके सीखता हूँ मेरी पर्सनालिटी को ग्रूम करता हूँ उसका मैं डॉलर देता हूँ तो भी ये बहुत कम है लेकिन अगर आप पेशेंस इसमें काम करते हैं और टिके रहते हैं तो एक ना एक दिन आपको पांच हजार दस हजार बीस हजार पचास हजार आते आते एक समय डेढ़ सौ दो लाख रुपए आएगा ही आएगा सिस्टम इस तरह का लेकिन पेशेंस रखना होगा बने रहना होगा सीखना होगा और अगर गलती से कोई जुड़ जाता है आपके साथ महीने में एक बार तो आपको तेईस सौ रुपए जाता फिर कोई जुड़ जाता है तो फिर अब आपके नीचे कोई दो लोग अच्छे आ जाए आप प्लान की खूबी देखिए मोहित सर ने बताया कितनी बड़ी बात है कि अगर आप ज्वाइन होते और दो लोग ज्वाइन कर देते हैं आप ब्राउन चले जाते हैं आपके डायरेक्ट दो लोग ज्वाइन कर देते हैं और दो लोगों में से अगर कोई अच्छे लीडर निकल आते हैं तो आप सोचिए कितनी बड़ी टीम वो खड़ी करेंगे और जितनी बड़ी भी टीम होगी उन सबका आपको तेईस रुपए तेईस रुपए मिलेगा हजारों रुपए हो जाएगा मोहित सर भी तो किसी की टीम में आए हैं ना मोहित सर के जो अपलाइन है उनको बाईस तेईस हजार लोग सिर्फ एक व्यक्ति से मिले कि नहीं मिले आप सोचिए ना ये सामने है तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिनके नीचे तीन हजार चार हजार पांच हजार की ऑर्गे और वो फ्री में मिल जाती है यही तो है मार्केटिंग की लेकिन थोड़ा पेशे रखना होगा मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ये जो कंपनी ने प्रचार किया है ये सच्चा है और यहां से लोग दिखेंगे आपको आने वाले छह महीने में एक साल में दो साल में तीन साल में दस साल में जो छाती ठोक के कहेंगे कि हमने एक भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं कराया और हमको इसमें बीस हजार पचास हजार लाख दो लाख आ रहा है जय ले गुड जय लोगुड जय लो गुड कहते मिलेंगे लोग अरे सर बहुत ही शिद्धत से आपने इसका जवाब दिया है और ये जवाब मेरे हिसाब से आज की तारीख में लिमिटेड ही लोगों ने इस चीज के बारे में सर्वे किया होगा जिस तरीके से आपने आज आज तो तो आपने हमें भी कॉन्फिडेंस दे दिया कि दो डॉलर हर एक व्यक्ति को आ सकता है अगर नाइन डॉलर हर एक व्यक्ति यहाँ से इन करता है तो बड़ा जबरदस्त जवाब आपने दिया है सर मैं तो इतना ही कहता हूँ कि हमारा टीम फ्यूचर ब्राइट का सदस्य है आप सोचिए सर कितने सस्ते में है अगर मैं ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो हम लोग अटेंड कर रहे हैं ना सर जो आप दे रहे हैं या अपनी जो फ्यूचर टीम के आपके जो लोग दे रहे हैं इस टीम में बता रहा हूँ पचास हजार रुपये महीना भी दे तो कम है इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है सर और ब्रह्मास्त्र तो हम लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है आज जो छब्बीस तारीख का हमारा प्रोग्राम होने वाला है नवम्बर में अभी दिल्ली में आज अच्छा। तो कितना गजब का होने वाला जितने लोग जाएंगे उनकी जिंदगी आपका भी एक सेशन रखेंगे सर वहाँ पे चालीस पचास मिनट का मौका मिला तो <laughs> ताकि लोगों को उस जो प्रोग्राम में तीन सौ से ज्यादा लोगों ने सीट बुक करा लिया और वो माहौल भी मेरे हिसाब से बड़ा होगा मैंने सर एट कोर स्टेप बनाया है जो हम लोग हर कंपनी में कोर स्टेप देखते हैं जिससे एक्टिविटी करने से आप डायमंड जाते हैं तो आप इजाजत देंगे और बाकी लोग परमिशन देंगे तो मैं जरूर बताऊंगा उसके बारे में लेकिन पहले अभी जो हमारे जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना अभी इसके जाल के पहले पायदान तो आपने पार कर लिया दूसरे पायदान पे तो हम चलते हैं अभी अभी क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म नहीं हुए सर <laughs> हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ दूसरा पायदान ऐसा है जिसमें से लोगों को मजा आएगा लोगों को पता मजा कब आता है जिसका जवाब उनके पास नहीं है और वो चाहते हैं आपके पास भी ना हो ओके तो ऐसा ही जवाब अब वो जवाब मैं आपके साथ एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिस क्वेश्चन में नब्बे तो क्या निन्यानवे परसेंट के सामने क्वेश्चन आया होगा निन्यानवे तो क्या सौ के सामने क्वेश्चन आया होगा हमारे सामने भी आया होगा

कंपनी से पहले उसकी प्रोफाइल को देखने से पहले पहले उस बंदे की प्रोफाइल देखता है बंदे की प्रोफाइल अगर ओके भी है तो वो फिर कंपनी की प्रोफाइल पर चला जाता है वो कहता है आपकी कंपनी इंडिया से है आपकी कंपनी पंजाब से है आपकी कंपनी राजस्थान से है क्या प्रूफ है आपके पास की कंपनी अमेरिका से है और अगर अमेरिका से है न जाने कितनी कंपनी बाहर की ऐसी आई है जो बोरिया बिस्तर लेके पैसा बटोर के इंडिया से चली गई गुल हो गई और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति के पास आता है और हर एक व्यक्ति इस बिजनेस में अगर आता है तो यही सोच के इन डरते काम करता है वो कल को मार्केट में जाना चाहता है तो कहता है यार इस व्यक्ति ने मुझे ये बोला था कि आठ महीने पुरानी कंपनी है नई नई कंपनी है एक साल डेढ़ साल के बाद बोरे बिस्तर उठाएगी और गायब हो जाएगी हम तो जानते भी नहीं है बहन को मिस्टर खजान को तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे क्या ये कंपनी भारत से है या ये कंपनी आने वाले वक्त में लोगों का पैसा लेके जा सकती है और इसका जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा सर बहुत बढ़िया ये तो बहुत ही सिंपल जवाब है सर देखिए ऐसा है कि पुराने जमाने में लोग ऐसी बातें जरूर क्या करते थे जब हम लोग एमपे कंपनी में थे बीस साल तक कंपनी भाग जाएगी लेकिन अब तो ऑनलाइन का जमाना है कोई भी व्यक्ति अगर जी नंबर निकालता है जैसे हमारे यहाँ जीएसटी नंबर होता है तो अमेरिका आप अमेरिका गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाइए जे नंबर डालिए लेवगुड का जी नंबर हमारी वेबसाइट पर दिया हुआ है तो से क्वेश्चन जी आई नंबर का मतलब मकसद क्या होता है आप गूगल करिएगा जी नंबर होता है जैसे हमारा जीएसटी है ना तो हमारी okay. संस्था कोई भी अमेरिका में संस्था रजिस्टर्ड होगी वर्ल्ड वाइड होने के लिए या एक बड़ा काम करने के लिए तो उसको बहुत सारे लीगल फॉर्मेटीज करनी पड़ती है कोलेट्र एक प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है अपनी क्योंकि अब हमारे अमेरिका गवर्नमेंट का रूल क्या है वहां पर कोई भी ऐसे स्कीम या स्कैम नहीं चला सकता हमारे यहाँ तो स्कैम हो सकते हैं ऐसी कई कंट्रिया जहां पर बहुत केयर नहीं करते लेकिन अमेरिका में आपने सुना होगा बहुत रेयरली कोई स्कैम होता है इस तरह से क्योंकि वहां की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है और वो गवर्नमेंट अपनी रेपुटेशन मानती है और स्पेशली जब आपको ऐसी कंपनी बनाने वाले हो जो वर्ल्ड लेवल पे लेके जा रहे हो तो आपके लिए वो कोलेट्रल रखती है यानी बहुत सारी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है बहुत सारे गारंटर लगते हैं तो जब आप जी नंबर को ढूंढेंगे वहां अमेरिका सरकार की उसमें जाकर और आप देखेंगे कि लिवगुड ने जो रजिस्ट्रेशन कराया उसमें कितने सारे डॉक्यूमेंटेशन यानी एक आदमी सोच में पड़ जाता है कि यार काम करने के लिए तुम किसके बाप दादा तक की लिस्टें निकाल लाए हो कितने सारा डॉक्यूमेंटेशन कराया उससे और उसके बाद उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें उनकी सारे के सारे फॉर्मेलिटीज पूरी कराई गई हैं और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारी वेबसाइट खोलिए लिव गुड की तो उसमें लीडरशिप बोर्ड है हमारा लीडरशिप बोर्ड में कम से कम दो लोग आज की डेट में आपको दिख जाएंगे जिसमें से आपको पंद्रह से बीस लोग अमेरिका से दिखेंगे अब अमेरिका में रहने वाले लोग जो लिव गुड को कर रहे हैं तो क्या किसी फर्जी कंपनी को करेंगे क्या वो इंडिया के किसी बनी हुई कंपनी को वहां कर लेंगे आप एक काम करिए अमेरिकन किसी भी कंपनी उसके जो लिव गुड के लीडर्स हैं वो लीडरशिप बोर्ड में जाइए उस अमेरिका के व्यक्ति का नाम निकाल के आप गूगल में डालिए उनका यूट्यूब चैनल निकालिए तो वो बताते हैं कि बैन ग्लिस्की को हम पिछले बीस साल से जानते हैं और वो एक रेपुटेड व्यक्ति हैं वो हमारे देश में जो है एक बहुत बड़ी असर है हमारे देश के लिए वो बैन ग्लिस्की की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि हमने जब उनकी जो कंपनी है जो मर्ज हुई है उसमें बहुत अच्छा काम किया है और अब हमने इसको लिव गुड को ज्वाइन किया हमारे शुरुआत में इतना प्योर था इतना प्योर था इतना प्योर था हम ऐसे ऐसे काम करते हैं एक दो नहीं ऐसे सैकड़ों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे यूट्यूब में जो अमेरिका के लोग हैं और जो दिल से लिव गुड कर रहे हैं तो अमेरिका में रहकर अमेरिकन लोग आप बेवकू बना सकते हैं क्या फिर जापान के लोग हैं जर्मनी के लोग हैं ऐसी कई कंट्रीज जहां पर हैं इनफैक्ट इंडिया से आज हमारे मोहित जी का इतना बड़ा रैंक है वहां पर लीडरशिप में मैं बहुत प्राउड फील करता हूं ऐसे बहुत सारे लीडर्स इंडिया के हैं जिन्होंने वहां पर अपना काम किया और स्टडी किया है तो आप जब चेक करेंगे तब पाएंगे कि कितनी लेजिटिमेट कंपनी है कितना बड़ा उनका एक लेगेसी है कितनी बड़ी उनका राजपाट है एक बड़ा ब्रांड है वो ये आपको पता चलेगा जब आप चेक करेंगे लेकिन प्रॉब्लम हमारे देश की क्या है कि लोग खुद चेक नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस से हम जज कर लें आज हम क्योंकि हमारा कपड़े का बिजनेस है तो हमारे दोस्तों की साड़ी वाड़ी की दुकान है तो लेडी जाती है खूब सारी साड़ी खुलवाती पसंद नहीं आती जब कोई दूसरी लेडी किसी साड़ी को पसंद कर लेती है

उसको बोला मैं कमाता हूं एक लाख अट्ठाईस चालीस दिन के अंदर आओ मेरे साथ तुम्हारे वादा मैं तो आओ हम लोग दोनों लो मिलकर काम करते हैं नेक्स्ट मंथ चालीस हजार तुमको आएगा चलो और आपको एक दिन में डायमंड लेके जाऊंगा आपको आठ से दस लाख रुपए आएगा मेरा वादा आपसे चलो जब आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं और आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं शेर की तरह तो सामने वाले को उसके बाप को भी आपकी बात माननी पड़ती है सारा खेल कॉन्फिडेंस का अरे सर ग्रेट बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने इसका आंसर दिया है सर बड़ा अच्छा लोगों को लगा बड़े अच्छे लोग यहाँ पे क्लैपिंग भी कर रहे हैं सबसे बड़ी बात ये है इस मोहित सर की क्लास में करीब करीब पांच के पांच लोग हाउसफुल आज तो कोई व्यक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है मतलब लोगों को इतना मजा आ रहा है मेरे हिसाब से पहला ही हमारा जो पिक्चर है सुपर डुपर हिट चला गया है मेरे हिसाब से सर एक क्वेश्चन और पे आप आप एक बहुत बड़ी शख्सियत है और आपने मौका दिया मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सर नहीं सर ये मतलब सबसे बड़ी बात ये है लोगों के सामने जो क्वेश्चंस आते हैं ना ये मौका लोगों को भी बार बार नहीं मिलता ये लिमिटेड आज ये भाग्यशाली जो 500 लोग जूम पे बैठे हैं सर अब एक क्वेश्चन सर यहाँ पे निकलता है क्वेश्चन ये निकलता है कि भारत सरकार आज की तारीख में देखा जाए तो बहुत से लोग बैंक में विड्रो ले रहे हैं सर बहुत से लोग क्रिप्टो के माध्यम से विद्रो ले रहे हैं सर आने वाले वक्त में क्या भारत सरकार ये चीज का कानून बनाएगी या कोई ऐसी आपत्ति लोगों को बैंक में विदड्रो लेने से क्रिप्टो में विड्रो लेने से या कुछ ऐसी परेशानी आने वाले भविष्य में तो सर नहीं आ सकती मैं ये आपसे जानना चाहूंगा सर बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी देखिए लोगों को लीगलिटी हमेशा देखनी चाहिए कंपनियों की क्योंकि आजकल बहुत सारे फर्जीवाड़ी या स्कैम चल रहे हैं तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि ऐसी कंपनी में जाए जो लीगल एथिकल है क्योंकि हम लोग ये बिजनेस अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं मैं हमेशा बोलता हूँ और ये बात जो है बड़ी लोगों को अजीब भी लगती है लेकिन मैं बोलता हूँ क्योंकि सच है मैं बोलता हूँ कि इस बिजनेस में एक दिन ऐसा लड़का पैदा होगा जो आज पैदा नहीं हुआ और वो डायमंड जाएगा और उसकी इनकम आपके बच्चों को आएगी या नहीं इतना बड़ा इतना लंबा बिजनेस है तो ये तब बोलता हूं जब मैं लीगेलिटी में बताता हूं बहुत क्लियर है इसकी देखिए हमारी सरकार तो ये चाहती है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हमारे देश में अच्छी कंपनियां आए और अच्छी कंपनी हमारे देश को रोजगार दें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हों और लोग अब भला करें अब चूंकि ये कंपनी इंडिया में लॉन्च होने वाली है अब चूंकि आप, आपने अभी नई चीज बताई कि फ्रेंचाइजी भी आने वाली है तो जब तक ये कंपनी बाहर से रन कर रहे हैं इंडिया में तो इन्होंने थर्ड पार्टी जो है ना वो लिए हुए हैं थर्ड पार्टी बहुत सारे है। थर्ड पार्टी में पे है में तो मेरी आंखों तक के उन्होंने ना फोटो ले लिए हैं ताकि वो जेन्यून बत्रा जी की आईडी है कि नहीं तो हुँ. हमने ऐसे ऐसे जो एक्सचेंजेस हैं वहां से हम क्रिप्टो करेंसी दे रहे हैं तो उनके पास हमारा डेटा है पूरा ठीक है जब हम विड्रॉल बैंक में लेते हैं या हम क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो भी थर्ड पार्टी को अरेंज किया उन्होंने कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि अगर ये पैसा आ रहा है तो किससे आ रहा है इसकी वाई से आप कर लीजिए तो कंपनी ने थर्ड पार्टी वो सारी एजेंसी लेके रखी हुई है जिससे वो अमेरिका में लीगली सही काम कर रही है क्योंकि तो अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी से काम करने में कोई दिक्कत नहीं है अब रही हमारे यहाँ बात की हाँ अभी तक तो जब वो हमारे देश में काम करेंगे जब हम हम लोग फ्रेंचाइजी खोलेंगे फ्रेंचाइजी के बारे में जो मैंने स्टडी किया है और आप जैसे लोगों से सीखा है तो ये है कि हर शहर में एक फ्रेंचाइजी होगी लेव गुड थी मतलब ये लेवुड में इतने कम कीमत में फ्रेंचाइजी दे रहे हैं सत्रह अठारह लाख रुपए में अगर आपको कोई फ्रेंचाइजी दे रहे हैं लेवगुड की इतने सारे प्रोडक्टों के साथ में और छह परसेंट आपको हर महीना मिलने वाला है अगर इस तरह की बातें हो रही है तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति बैंक में पैसा रखता है तो उसको आधा परसेंट ब्याज नहीं मिलता तो कोई भी व्यक्ति इसकी फ्रेंचाइजी ले लेगा ले क्योंकि तो ब्रांड बहुत बड़ा है तो आज हर शहर में कम से कम एक तो लेवगुड का स्टोर होगा ही अभी रिसेंटली मैंने एक विज्ञापन देखा जिसमें मेट्रो स्टेशन के हर जगह लेवगुड लिखा हुआ था अगर ये फिलिपींस के या जापान के किसी प्लेटफॉर्म पे है किसी मेट्रो में लगा हुआ है तो निश्चित रूप से इंडिया में भी हर शहर में लगेगा यानी आपके दिल्ली मेट्रो स्टेशन में हर जगह लिवगुड लिखा होगा जहां आप जाएंगे लिवगुड दिख रहा होगा लिवगुड के बैनर्स लगे बोर्ड लगे होंगे कल को आपका बच्चा पूछेगा ना किसी बच्चे से पूछेंगे ये किसका है तो बोलेंगे मेरे पापा की कंपनी है लिवगुड यानी लोग प्राउड फील करेंगे जितने लोग आज लिवगुड में है क्योंकि इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट ये करने वाले तो ये किस दम पे करने वाले हैं कि जितने लोग फ्रेंचाइजी लेंगे उनका जीएसटी नंबर लेना होगा उनके लीगल डॉक्यूमेंट हो गए अगर मैं लुकुड की फ्रेंचाइजी लेता हूँ तो मुझे अपना एक जो है ना घर का एड्रेस देना होगा मुझे जीएसटी नंबर लेना होगा मुझे वो सारी कानूनी कार्रवाई करनी होगी जो हमारे देश के लिए काम करेंगे जरूरी है तो मैं फिर लोगों की ज्वाइनिंग कराऊंगा तो रुपीज में ही कराऊंगा मैं चाहूंगा मेरे स्टोर से सबकी ज्वाइनिंग हो तो मैं रुपीज में ज्वाइनिंग कराऊंगा डॉलर को कन्वर्ट करने के लिए मैं फीस दूंगा फिर उसके बाद सारी चीज स्मूथ हो जाएंगी लेकिन मैं ये बताता हूं कि कंपनी लीगल एथिकल है सोच समझ के चल रही है और लीगल ही रहने वाली है क्योंकि इसको सौ साल तक काम करना पर अगर मान लीजिए वो सारी दिक्कतें जो आज आपको हैं जो चैलेंज हैं वो सारे पार हो गए और एक रास्ता खुल गया जैसे बाढ़ टूट जाता ना बांध और पानी बह जाता इस तरह से पूरे देश के लोग लिव करने लगे अभी तो लिव करने के लिए लोग सोचते हैं ना क्योंकि उनको लगता है बहुत सारी कमियां इसके अंदर चैलेंज है लेकिन जैसे ही लोग करने लगेंगे तो आप सोचिए हमारे देश में वो पंडित जी वाला हाल है पहले खाना खाते नहीं खाते तो रुकते नहीं है ऐसी अगर मान लीजिए हमारे देश में लोग सब लिव करने भाग गए और आज लाखों लोग पूरे देश से लेकु करने लगे तो आप कहा संभाल पाओगे जब तक आपका नेटवर्क नहीं होगा तो तो मैं सोचता हूं जितनी लेट आए उतना अच्छा है ताकि हम लोग नेटवर्क बना लें और जितने भी लोग आए हमारे नेटवर्क में आए तो ये एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीना छह महीना ये गोल्डन टाइम है हमारे लिए कि आज हम खुल के बिजनेस करें खूब सारा नेटवर्क बना लें ताकि आने वाले लाखों करोड़ों लोग जो है चाहे इस देश में चाहे किसी और देश में वो सब हमारे डाउनलाइन में आए तो ये बहुत अच्छा मौका है कि खूब तेजी से काम करें और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएं क्योंकि एक बात तो सही है कि सारी ताकत नेटवर्क में है अगर आज कंपनी लोग बोलते कितने हैं कितने प्रोडक्ट हैं पच्चीस ही प्रोडक्ट हैं मैं उसको बोलता हूं तुम्हारा नेटवर्क कितना है तुम कितने लोग ज्वाइन कर सकते हो बोले मैं तो अकेला हूं मैंने कहा तू अकेला है मेरे भाई और एक करोड़ प्रोडक्ट कंपनी लेकर आ जाए तो तेरी कितनी बिक्री होगी बोले कुछ नहीं और मैंने कहा तेरा एक करोड़ लोगों का बिजनेस हो एक एक लाख लोगों का नेटवर्क हो और एक प्रोडक्ट हो तो तेरी कितनी बिक्री होगी मेन चीज तो नेटवर्क है ना प्रोडक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है कभी भी आ जाएंगे तो आज समय नेटवर्क बनाने का है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म की सोचती है लीगल एथिकल पूरा है इनके पास में और सरकार भी चाहती है लोगों रोजगार मिले अच्छी कंपनियों को बढ़ावा देती है आज जितनी भी कंपनियां अमेरिका से आई हैं चाहे वो एम है फॉर लिविंग है हर्बल लाइफ है बीस साल चालीस साल साठ साल हो गए उनको चलते हुए आज चाहे वो फेसबुक है क्या वो फेसबुक को कभी कभी आ, इंडिया बंद कर सकती है क्या कभी इंस्टाग्राम को आप बंद कर सकते हैं क्योंकि ये सब वो कंपनियां है जो देश को रिवेन्यू दे रहे हैं ऐसी कंपनियां जिन्होंने हमारे को रोजगार दिया है तो ऐसे ब्रांड है यूट्यूब है सब अमेरिकन कंपनी है तो ऐसे ही एक ब्रांड है आप निश्चिंत होकर इसको कर सकते हैं और मैं कह सकता हूं इस बात की कि ये वाकई में बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है और इसमें कोई लीगल्टी प्रॉब्लम नहीं रहेगी अरे सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से जवाब मतलब जो एग्जांपल के तौर पर आप जवाब देते हैं ना सर तो लोगों को एकदम यहाँ की जगह यहां घुसता है मतलब सीधा माइंड में घुसता है एग्जांपल के साथ जवाब देना बड़ा मेरे हिसाब से टफ टास्क होता है लेकिन आप एज एग्जाम्पल के साथ देते हैं यार मेरे हिसाब से जिस तरीके से लोग इस बहुत से लोग तो लिख रहे हैं इन चीजों को जो आप जवाब दे रहे हैं बहुत से लोगों को मैं चेक कर पा रहा हूँ लिख रहे हैं ये आपने बताया है, ये लाइव है और ये वीडियो रहने वाला है तो देख भी सकते हैं लोग बाद में अरे सर ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों की जो लोग बड़ी सिद्ध से बैठे हैं सर यहाँ पे क्वेश्चन और निकल जाता है आठवें नंबर क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन और हमारे पास बचे हुए हैं अच्छा और क्वेश्चन है ओके जो आठवें नंबर क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त है जबरदस्त ये है

देखिये कितनी बड़ी बात है कि आज हमारे साथ मोहित सर हैं मोहित सर लेवु में आठ से दस लाख रुपए बारह लाख रुपए कमा रहे हैं और ये लगातार कमा रहे हैं ऐसा नहीं कि एक बार आया फिर नहीं आया तो इनको लगातार पैसा आ रहा है मैं और लोगों के भी चेक दिखाता हूँ दिखाता हूँ तो मुझे भी लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि यार ये सुन लोग सेटिंग रहती है जितने बड़े लीडर है उनकी सेटिंग रहती है कंपनी उनको चेक बना के देते बाद में पैसा वापस ले लेते हैं एक्चुअली क्या होता है कि हमारे में कहा जाता था हमारे पिताजी बोलते थे कि आदमी को आदमी में दाग दिखता है आदमी को चांद में भी दाग दिखता है आज दाग अपनी आंखों में उसको हर चीज में दाग दिखता है यानी कुछ लोग ऐसे जिनके दिमाग में गलत है क्योंकि उनको गलत हुआ एक्सपीरियंस ऐसी कई कंपनियां इंडिया में चालू हुई जिन्होंने ऐसे काम किए कि आपको पैसा दे दिया फिर वापस ले लिया बड़े झोलझाल होते हैं हमारे यहाँ कई बार लोकल कंपनियों में तो हम वैसे ही सोचते वैसी मानसिकता बन जाती है लेकिन अमेरिकन जितनी भी कंपनियां हैं जो भी कंपनियां सिस्टम ड्रिवन है एक होता है सिस्टम ड्रिवन तो लीडर डिवन कंपनी जो हमारे जैसे लोकल कंपनियां होती हैं तो उसमें क्या होता है जो लीडर टीम लेकर आता है तो वो क्या करता है कंपनी के मालिक को जो बोलता है कंपनी के मालिक को करना पड़ता है वैसे मैं बात करने के लिए नाम ले रहा हूँ वैसे नाम नहीं लेना चाहता हमारे फ्रेंड है जो जो की बहुत बड़े लेवल पर है अभी एक कंपनी में जो इंडिया की नंबर वन कंपनी है तो जब वो गए उसमें तो चालीस लोगों को लेके गए जब वो चालीस उनका बड़ा अच्छा ब्रांड है जब वो यूट्यूब में बोलते हैं तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं हमारे साथ के ही वो मेरे बहुत सारे फोटो आपने उनके साथ देखे होंगे बहुत फेमस है आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं तो वो जब चालीस साल लोग लेके गए नंबर वन कंपनी में इंडिया की तो उसमें उनके हिसाब से कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई पूरी पॉलिसी चेंज कर दी कंपनी ने यानी लीडर के हिसाब से कंपनियां पॉलिसी चेंज करती हैं हैं तो वही अनुभव हमें भी भी था लेकिन जितने ब्रांड होते वर्ल्ड के बेस्ट वो सिस्टम ड्रिवन होते हैं एम वे है हर्बल लाइफ है फॉरवर लिविंग है जितने भी ब्रांड हैं जितने भी साठ साठ साल चालीस चालीस साल चले हैं वो इसलिए चले हैं वो सिस्टम पे चलते हैं और लिव गुड सिस्टम ड्रिवन कंपनी है लेव गुड कोई भी अगर जाके बैंक को बोले कि मैं तुझे दस हजार बीस हजार एक लाख दो लाख लोग देता हूं मेरे हिसाब से चल ले तो बोलेगा वो 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 आपने दो लाख जेब में रख अपने साथ में रख हमें नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें पता है कि ये डेढ़ दो लाख लोग आएंगे चले जाएंगे अगर हमने कंपनी का सिस्टम बदल दिया तो हम नहीं रह पाएंगे ये उनको पता है तो सिस्टम उनके लिए सब कुछ होता है बोलेंगे हम कहाँ देखेंगे सिस्टम इतना खूबसूरत है कि आपका एक सेंट भी अगर कहीं पर है एक सेंट तो वो आपको उसका हिसाब देते हैं और आपको मिलता है तो जब इसके प्लान की गहराई में आप कोई जाएगा तो समझ में आएगा कि 9.95 जो जो आपसे लेते हैं यानी आप राउंड फिगर में बताते हैं तो उसको बांटते कैसे आप सब लोग प्लान को जानते हैं नए लोग सुन रहे तो उनके लिए बता देता हूं कि हमारी जो दूसरी इनकम है वो मैट्रिक्स कमीशन है यानी जितने लोग आपकी टीम में होंगे वो चाहे आपकी अपलाइन ने ज्वाइन कराए चाहे आपकी डाउनलाइन ने ज्वाइन कराए चाहे आपने ज्वाइन कराए उन सबका तेईस रुपए के हिसाब से पॉइंट टू फाइव डॉलर के हिसाब से पैसा आपको मिलेगा हर महीने तो अगर आपकी टीम में हजार लोग हैं तो तेईस हजार रुपए मिलेगा है ना तो इस तरह से लेवल जो है उसमें कितने भी हो आपके उसमें आपको मिलेगा लेकिन कहां तक मिलेगा एक नॉन रैंक है उसको बारह लेवल तक और जो डायमंड पंद्रह लेवल तक यहां पर जाके लिमिट आ जाती है इससे ज्यादा वो फिर आपको पैसा नहीं देते मैट्रिक्स प्लान में लेकिन जो हमारा जो मैचिंग है मैचिंग इनकम वो इतनी बड़ी इनकम है उसकी जितनी कैलकुलेशन करता हूं मैं उसके अगर आज सौ वीडियो बनाऊं तो कम पड़ेंगे क्योंकि मैचिंग जो कमीशन है वो एक अद्भुत है वो चमत्कार है धरती पर कोई कंपनी बनाना छोड़ो सोच भी नहीं सकती क्योंकि उसमें इतनी गहराई में सोचा गया इतनी गहराई में सोचा गया है कि अगर मैं इंडिया में हमारे मित्र कुछ कंपनियां चलाते हैं उनको बैठ के बताता हूं तो बोलता यार कौन इतनी गहराई में जाएगा यार हजार हजार डेप तक तुम पैसा दे रहे हो यार तुम्हारी कंपनी क्या अनलिमिटेड डेप तक पैसा देती है मैंने कहा एक हजार डेप के नीचे चले जाना और एक अपना स्पेल डाल देना तो फिर आपको पांच जनरेशन का पैसा मिल जाएगा और फिर एक हजार तक चले जाना फिर आप स्पेल डाल देना फिर पांच जनरेशन का पैसा मिल जाएगा आप सोचो कि एक डायरेक्ट में आपको जितनी जनरेशन चाहिए अनलिमिटेड पैसा मिलेगा और वो पैसा इसी नाइन पॉइंट नाइन फाइव से आता है इसीलिए मैंने पिछली बार प्लान में बताया था कि जो हमारे टिम मिलर साहब हैं उनको तेरह सो डॉलर आया था मैट्रिक्स बोनस से और तिरपन हजार डॉलर आया था मैचिंग बोनस से तो जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो मैंने पाया कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम पैंसठ लोगों तक जाते हैं उसको फाड़ डाला और लाखों लोगों तक चले गए यानी आज उनका लाखों लोगों का नेटवर्क है तो मैट्रिक्स को तो बहुत आगे निकल गए हम तो मैट्रिक्स तक ही नहीं सोच पाते तो मैट्रिक्स को फाड़ के निकल गए वो और लाखों लोगों का नेटवर्क है और लाखों लोगों के नीचे जब उनकी आईडी जाती है खुद की पार्सल तो लाखों लोगों से पैसा निकल कर आता है इसीलिए उनका त्रेपन हजार डॉलर निकलता है यानी एक महीने का एक इनकम पचास लाख की होती है इससे बड़ा प्लान दुनिया में ना कोई होता है ना हो सकता है जितना गहराई से लेवगुड प्लान बनाती है और उससे डिजाइन किया है इसीलिए बिजनेस फॉर होम कहता है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पैसा बांटने वाले कोई प्लान हो सकते हैं दुनिया में तो उसमें पांचवें नंबर का प्लान लेव गुड का है आप सोचिए वर्ल्ड के पांचवें नंबर का प्लान बनाना मजाक नहीं है उस प्लान को सब बनाया गया है इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है जितना स्टडी करता हूं उतना दीवाना हो जाता हूं उस प्लान का आप भी सब लड़ने लोग बैठे हैं मैंने आपसे ही सीखा है यहाँ पर तो इतना गजब का प्लान है इसलिए पैसा बढ़ता है क्योंकि सिस्टम ड्रिवन है कोई सेटिंग नहीं है इसमें इसमें लोग पैसा बनाएंगे और हम लोग इसलिए हैरान है कि हम लोग जिस लेवल पर थे उस लेवल पर जाने में हमें पांच साल चार साल दस साल लगे तब जाके हम लोगों ने दस दस लाख की इनकम में आती थी लेकिन इस प्लान में लोग जो जो वहां पर साल में होता था महीने में हो सकता यानी तीन साल में आप जो वहां पहुंचते हैं दूसरी कंपनी में यहां तीन महीने पहुंच सकते हैं जितना आप पांच साल में वहां पहुंचते हैं यहाँ पांच महीने पहुंच सकते हैं मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं प्लान इस तरह से है हाइएस्ट रिवॉर्डिंग प्लान है लेकिन लीगल एथिकल है आप उसकी स्टडी करिए आप उसको बताइए लोगों को आप निश्चित रूप से पाएंगे अगर पैसा बनाने का कोई सही तरीका है और कोई आसान तरीका है लीगल है तो क्यों नहीं कमाना चाहिए क्या दिक्कत है उसमें जरूरी थोड़ी कि हम गदा मजदूरी करने के लिए पैदा हुए अगर एक आदमी लेबर करता है गड्ढा खोदता है उसको पांच सौ रुपए मिलते हैं लेकिन एक आदमी घर में बैठ के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता है लेबर गुड का उसे पचास हजार मिलते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए कोई सरकार थोड़ी मना करती है आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए फास्टेस्ट वीड क्या है इंटरनेट इंटर, इंटर उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं आई इंडस्ट्री आई का मतलब क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग अगर कोई भी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी लोगों तक पहुंच जाएगी वो वो है आई इंडस्ट्री तो हम आई इंडस्ट्री के लोग हैं तो हमें अपने आप को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाना है जितनी जल्दी हम लोगों तक पहुंच जाएंगे जितनी जल्दी लोगों तक अपनी चीज स्प्रेड कर लेंगे जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे उतनी जल्दी आगे निकल जाएंगे और हम ज्यादा पैसा कमा लेंगे इसमें हर्च क्या है अगर जैब बोजेस इतने करोड़ रुपए कमा चुका है तो कोई लड़ता है क्या उससे अगर अंबानी कमा चुके हैं तो कोई नाराज होता है क्या क्यों क्योंकि उन्होंने नए रास्ते अपनाए आज के रास्ते अपनाए तो ये ऑप्शन आपके पास है ये वर्जन आपके पास है लेटेस्ट वर्जन नेटवर्क मार्केटिंग का एफलेट का आप भी इसको जोड़ सकते हैं नए लोग और कर सकते हैं जितने लोग जुड़े हैं उनके साथ बैठी ये बहुत अच्छे लोग हैं बहुत अच्छे सिस्टम पे काम कर रहे हैं आप भी पैसा बना सकते हैं थोड़ी सॉरी थोड़ा जज्बात में लंबा हो गया आंसर आंसर <laughs> ये मतलब जो आप दे रहे हैं ना बड़े लोग बड़ी शिद्धत से सुन भी रहे हैं मतलब आपका आंसर का जो मैं प्रॉपर मीन्स निकाल तो मीन्स ये है कि आपका कहना मतलब ये है कि इस प्लान में गहराई इतनी है नाइन पॉइंट की तो इसमें ये पैसा जो आ रहा है वो भी कम है यानी इससे ज्यादा निकाला जा सकता है लोग निकाल रहे हैं और लोग मिलेंगे सर आपको जो बोलेंगे मैंने एक करोड़ रुपए मिलेंगे कुछ ही महीने में मिलेंगे लोग, इसी आ तो से होंगे।, बहुत हैं। जो होंगे अरे सर थैंक यू वेरी मच आपने बड़े आंसर दिया नौवे नंबर का क्वेश्चन काफी जबरदस्त है बस दो क्वेश्चन के साथ इस सेशन को हम समाप्ति की ओर लेके नंबर का क्वेश्चन है जो कंपनी दावा करती है कि हम प्रोडक्ट देते हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट कंपनी के हैं 25 से 30 प्रोडक्ट कंपनी के पास हैं वो और कंपनी के मुकाबले कंपनी के प्रोडक्ट सस्ते हैं और प्लस कंपनी इस पर क्या रेवेन्यू भी जनरेट करके आने वाले वक्त में इनकम देगी मैं इस पर आपकी चर्चा चाहूंगा सर ये ये प्रश्न सर मैं थोड़ा और स्पष्ट करिएगा क्या प्रश्न है आ, मतलब क्वेश्चन सर ये है कि कंपनी दावा करती है कि जितने प्रोडक्ट हमारे पास हैं ये और कंपनी का मुकाबले हम मार्केट में सस्ता बेच रहे हैं पहला प्रश्न प्रश्न के अंदर प्रश्न यह है कि कंपनी ये भी दावा करती है कि आने वाले वक्त में हम आपको रिटेल कमीशन से भी प्रॉफिट जनरेट करके देंगे इस बातों इन बातों में कितनी गहराई है सर वेरी गुड तो ये बहुत अच्छा प्रश्न समझ में आ रहा है आपका कहना यह है एक तो मार्केट से यह प्रोडक्ट अफोर्डेबल है कम कीमत के है, है ना वैल्यू फॉर मनी है मेरा नहीं और... कंपनी ये कंपनी का कहना है कंपनी अच्छा। कहती है कंपनी का वीडियो भी जाकर जितने मार्केट में प्लान चल रहे हैं चाहे वो बाहर की कंपनी हो चाहे इंडिया की कंपनी हो आप इस प्रोडक्ट की क्वालिटी से इस प्रोडक्ट की कोस्ट से कंपेयर कर सकते हैं आपको सस्ता मिलेगा और कंपनी ये भी दावा करती है जब मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा तो रिसेल भी जनरेट होने के भी हम आपको कमीशन जनरेट करा के देंगे तो ये कंपनी का दावा है मैं चाहता हूँ इस पे आप कितने सही है सर कंपनी आप कितने सही है सर वेरी गुड बहुत मैं समझ गया क्वेश्चन को देखिए आपका कहना यह है कि जब प्रोडक्ट की कीमत कम है तो फिर कैसा पैसा बांट सकते हैं ठीक है ना जी. तो देखिए मैं आपको बताने ही चाहता हूं कि जिन कंपनी में, में, में पैसा बांटना है तो आपको बहुत पैसा चाहिए ट्रेडिशनल सेटअप में पांच छह एजेंसियां होती है और यहाँ पर जो है हजारों लाखों लोगों को पैसा बांटना पड़ता है तो पैसा बहुत चाहिए तो पैसा बहुत चाहिए इसलिए प्रोडक्ट महंगे करने पड़ते हैं अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सौ रुपए का ट्रेडिशनल मार्केट में बिक रहा है तो तैतीस रुपए का तीस रुपए का बनता है और उसमें तैतीस परसेंट जो है कंपनी अपने खर्चे और प्रॉफिट डालती है और तैतीस परसेंट बांटती है लेकिन यही सेटअप जब नेटवर्क मार्केटिंग में जाता है तो पांच सौ रुपए का सामान हो जाता है या हजार रुपए का हो जाता है कई कंपनियों का सौ की चीज हजार में मिलती है हमने खरीदी है तो उसकी वजह यह है कि उनको आठ सौ सात सौ रुपए बांटने पड़ते हैं इसलिए प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं पर आप ये कह रहे हो कि यह है सौ रुपए में जो ट्रेडिशनल मार्केट में उसी रेट पर है उसके बाद ये पैसा बांटते नहीं होंगे क्या बांटते हैं कि नहीं बांटते तो निश्चित रूप से मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए किसी लीडर को हमें सौ रुपए देने हैं और वो सौ रुपए के सौ रुपए बाकी कंपनियां जो है अपने प्रोडक्ट से दे रही हैं हमने क्या किया कि हमने अपना अस्सी परसेंट पैसा जो है वो एफलेट से दे दिया और बीस परसेंट हम प्रोडक्ट से दे रहे हैं तो इस तरह से हमने क्या किया कि सौ रुपए दे दिए और उसके बाद सामने लोगों को सेटिस्फाइड भी कर दिया और हमारे को प्रोडक्ट भी नहीं बढ़ाने पड़े अब वो रईश्य जो भी हो सकता है मैं एक अंदाजा लगा के बता रहा हूं कि कंपनी ने क्या किया कि जो पैसा बांटना था मेन पैसा जो लीडर्स को बांटना था वो एफलेट से बांट दिया ताकि लीडर्स को जो पैसा चाहिए तब तो नेटवर्क बनाएगा ना तो पैसा उन्होंने से बांट दिया और जो मार्जिन मार्जिन बचा क्योंकि फिर भी बचता है प्रोडक्ट पे तो कम रखा मार्जिन प्रोडक्ट पे पर प्रोडक्ट पे भी पैसा दे रहे हैं तो प्रोडक्ट पे भी पैसा दे रहे हैं पे भी दे रहे हैं इस तरह से वो कवर कर पा रहे हैं और प्राइस भी इकोनॉमिकल रखे हुए तो इस तरह से ये कंपनी बहुत तेजी से चल रही है और हर आदमी जब ये प्रोडक्ट इंडिया में बहुत तेजी से आ जाएंगे फ्रेंचाइजी खुल जाएगी तो सिर्फ ये हम लोग सीमित नहीं रहने वाले न्यूट्रिशन पर बहुत सी कैटेगरी आने वाली है मैंने जो स्टडी किया है जो मैंने अभी तक आप लोगों से सीखा है जो वीडियो देखे हैं तो उसके हिसाब से तो बहुत सारी सर्विस भी आने वाली है बहुत सारे और प्रोडक्ट आने वाले हैं तो हर प्रोडक्ट पे हमें कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगी रिटेल करके भी और उसकी फ्रेंचाइजी लेकर भी तो पैसा प्रोडक्ट से भी अच्छा मिलने वाला है और एफलेट से तो मिल ही रहा है इसलिए दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है इस कंपनी को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता अरे सर ग्रेट ग्रेट मतलब आपका मतलब ये है कि अभी जो कंपनी एक पहले पार्ट में काम कर रही है तो दूसरे पार्ट में काम करेगी तो इनकम दो गुना तीन गुना होने के चांसेस ज्यादा है बहुत अच्छा इनकम हो जाएगा

लगभग पैतीस पैतीस चालीस साल साल की उम्र में अपना घर भी संभालते हैं यहाँ पे काम भी कर रही हैं कुछ लोग अपने जॉब छोड़ने तक की बात कर रहे थे हमारे मित्र थे उन्होंने कहा जॉब छोड़ दूं तो मैं कंफ्यूज था मैं उनको क्या जवाब दू गवर्नमेंट जॉब थी क्योंकि आज वो गोल्ड रैंक पे है मतलब ऐसी चीजें आ रही है क्या इस बिजनेस को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है कंपनी के फ्यूचर को लेके कंपनी का टर्नओवर क्या होगा कंपनी इंडिया को किस नजरिए से देख रही है क्या लोगों को अपना भविष्य इस कंपनी के अंदर डाल देना चाहिए नहीं जा, जाना चाहिए बहुत से लोग कंपनी को छोड़ छोड़ के लिव के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनको चार चार पांच पांच लाख के जो चेक उनको दस दस लाख की टीम पे भी नहीं आ पा रहे यहाँ पे मात्र लोग पच्चीस सौ पच्चीस सौ तीन तीन हजार लोगों की टीम पे बना पा रहे हैं तो कितना सही रहेगा कंपनी का भविष्य इंडिया को इंडिया को लेके क्या है और लोगों का भविष्य इस बिजनेस को लेके क्या है जो आज की तारीख में करीब करीब पच्चीस से तीस लोग इंडिया के अंदर कनेक्ट हो चुके हैं सर मेरे बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं देखिए मेरे जो स्टडी है मैंने ज्यादा समय तो इनमें जो मैंने स्टडी की उसके हिसाब से बता रहा हूं मोहित जी कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है जैसे हमारे पास तीन फ्यूचर ब्राइट है ऐसे का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है क्यों है क्योंकि अभी हम लोग आठ लाख लोगों तक पहुंचे पूरी दुनिया में और हम लोग सौ करोड़ तक पहुंचने वाले यानी आने वाले समय में हम सौ करोड़ तक तो पहुंचेंगे ही क्योंकि इतनी फास्ट हम ग्रो कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि एमेजोन जैसी कंपनियों को 20-20 साल लगे फेसबुक को दस साल लगे सौ करोड़ तक पहुंचने में हमें दस साल नहीं लगेंगे हम बहुत कम सालों में सौ करोड़ तक पहुंच जाएंगे तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है यानी अभी जो हमें पहुंचना है उसको हम पॉइंट जीरो वन परसेंट पे है बहुत कम परसेंट पे है पॉइंट से भी कम पर है तो बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है जितने लोग जुड़ चुके हैं वो सौभाग्यशाली है कि उनके नीचे सारी टीम आने वाली है जितने लोग छोड़ चुके हैं मैं उनको निवेदन करूंगा कि अपने अपलाइन के पास वापिस जाए और फिर से आप अपनी आईडी जो है ना उसको फिर से रिफ्रेश कर लें एक हजार रुपये लगता है मात्र लेकिन ये बिजनेस आपको लाखों रुपए कमा के देने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी आप कल्पना करते और लोगों को लेकर आएगा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं फ्यूचर में कि आप हैरान रह जाएंगे कि जब किया सोचा भी नहीं था है ऐसे कोई देश नहीं इसकी यात्रा कराई जाएगी यानी इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ने वाली है और यह फ्यूचर बहुत तेजी से जाने वाला है अगर मैं हमेशा बोलता हूं कि एमेजॉन का टर्न अगर चवालीस लाख करोड़ रुपए का है चवालीस लाख करोड़ का पहुंचा है इतने सालों में ठीक है आज चालीस लाख करोड़ का करते हैं छह महीने या साल भर में तो अगर उसका दस परसेंट भी करेंगे चार लाख करोड़ रुपए तो अभी हम चार सौ करोड़ पर हैं चार लाख करोड़ जब करेंगे इंडियन करेंसी के हिसाब से चार लाख करोड़ रुपए का तो आप सोचिए कि हमारे घर में इसका एक बूंद भी गिरेगा तो करोड़ों रुपए होगा तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है बहुत सारा पैसा आने वाला है और बहुत बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है आप और आपके साथी गदगद हो जाएंगे क्या इतनी बड़ी कंपनी में हम जुड़े प्राउड फील करने वाले आप लोग क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है करोड़ों लोग जुड़ेंगे और बहुत सारा पैसा बटने वाला है तो ये तो निश्चित रूप से है कि जो भी आज विश्वास करेगा वो बहुत ग्रोथ लेगा मैं आपको बताऊं हम लोग एमवे में थे और एमवे के एक लीडर हैं जिनका मैं बहुत सम्मान से नाम लेता हूं डेस्टर येगर आप कभी डालिए गूगल में तो आपको भगवान दिखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के जब उन्होंने ज्वाइन किया था और जितने लोगों ने उनके साथ ज्वाइन किया था वहां पर प्रोडक्ट नहीं थे बहुत तकलीफें थी उन लोगों ने तकलीफें उठाई वहां पर अपने कंधे में प्रोडक्ट लेने पड़ते थे और बहुत सारी तकलीफ उठाई मैं बताऊंगा तो एक घंटा लग जाएगा माने इतनी तकलीफें थी उस कंपनी में उन्होंने विश्वास किया जितने लोगों ने शुरुआत में विश्वास किया आज साठ साल हो गए उनके घर में करोड़ों रुपए हर महीने आता है उनको मरे हुए कितना टाइम हो गया उनके खानदान को पैसा मिलता है और इतने पैसे वाले हो गए वो लोग सबके सब जितने भी लोग एम के शुरुआती लोग हैं हर्बल लाइफ के शुरुआती लोग हैं फॉरवर के शुरुआती लोग हैं जितने भी लोग इस तरह की ब्रांडेड कंपनियों के शुरुआती लीडर आप जाके देखिए उनके पास आप चेक करिए उनको पर आप पाएंगे करोड़ों करोड़ रुपए कमाए उनकी नस्लें बदल गई पुश्ते बदल गई उनकी पुस्तों में काम नहीं करना उनको तो वो वो चीज लेपगढ़ में होने वाली है क्योंकि लेवग की शुरुआत है जब लेपगढ़ को दो साल होंगे तीन साल होंगे पांच साल होंगे आप सब लगे बना चुके होंगे आप सबको बहुत बड़ी इनकम आ रही होगी एक बहुत बड़ी होप मिलेगी तो कई लोग बोलते हैं कि सर मैं यंग लड़का हूं तो मैं उसको फ्यूचर बना सकता हूं तो मैं उसको बोलता हूं कि आप जो है ना पार्ट टाइम में करो हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम में करना चाहिए क्यों क्योंकि इसमें लीडर कब आएंगे नहीं मालूम आप अपना प्रयास करते हैं पर ये दूसरों के आ, लीडर के आने पर बिजनेस चलता है तो कौन सा लीडर कब आएगा नहीं मालूम लेकिन अगर आप इसको पार्ट टाइम में करते हैं अपनी नौकरी के साथ करते हैं बिजनेस के साथ करते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको आएगा नहीं और आप जब आपके पास फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा तब आप किसी से बात करेंगे तो पॉस्चर हाई रहेगा और जल्दी आ जाएगा जब हमारे पास पैसा जेब में नहीं होता और हम लाखों की बात करने किसी से जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता और लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है इस दुनिया का दुर्भाग्य है कि लोग हर आदमी दमदार के साथ जुड़ना चाहता है हर आदमी सफल के साथ जुड़ना चाहता है हर आदमी नॉलेज वाले के साथ जुड़ना चाहता है और आप ये तब बन पाओगे जब आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा तो शुरुआत में मैं एडवाइस करता हूं कि लोगों को इसे पार्ट टाइम में करना चाहिए जब आपके पास अच्छे लीडरशिप आ जाए जब अच्छा पैसा रेगुलर आने लगे तो अपने अपलाइन से पूछ के आप फुल टाइम भी कर सकते हैं और इस नेटवर्क बिजनेस से जो पैसा आता है उसको आप जमा करिए हम लोगों ने यही किया आज हम लोगों को कोई पैसा कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है हम लोगों ने उसको प्रॉपर्टी में डाला म्यूचुअल फंड में डाला इसको इन्वेस्टमेंट किया आज हमारे देश में इतना पैसा आता है कहीं पर हम जमा कर देते हैं आज मोहित सर अगर दस करोड़ रुपए कहीं पर लगा दें तो एक परसेंट भी अगर आएगा तो महीने का दस लाख रुपए आएगा वो कुछ भी नहीं करे तो हमेशा जिंदगी और अच्छे से रह सकते हैं तो अपने पैसे को आप ये मत सोचो कंपनी रॉयल्टी इनकम देगी आप पैसा कमाओ और इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो और उससे आपको रिटर्न आएगा लाइफ लॉन्ग की सिक्योरिटी मिलेगी पार्ट टाइम में कीजिए जब लीडरशिप आ जाए तो फुल टाइम में कीजिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं आप दुनिया बदल सकते हैं क्योंकि लेव गुड अपने आप में क्रांति है रेवोल्यूशन है बहुत सोचा समझा प्लान है बहुत से लोगों ने दिमाग लगाया चलिए जाके बना है तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है और हम सब लोग बहुत तो लोगों का भला करने वाले हैं लेकिन जो भी मैंने बातें की हैं जो भी मैंने आपको आंसर दिए हैं ये सब मैंने मोहित सर से सीखा है मैंने जो है यहाँ पर हमारे गणेश राव सर से सीखा है मैंने अभिषेक सर से सीखा है मैंने टीसी शर्मा सर से सीखा है जितने भी हमारे डायमंड राहुल हैं जितने सब लोग इनसे सीखा है मैं अभी भी सीख रहा हूँ और हो सकता है मेरी किसी बातों में अगर आपको लगता है इंप्रूवमेंट करना है तो अपने अपलायंस से पूछ के अप्लाई कीजिएगा ये बिजनेस बहुत बढ़िया है और मैं हमेशा कहता हूं कि मौका और एहसास हमेशा साथ साथ नहीं चलते जब मौका होता है तो एहसास नहीं होता जब एहसास होता है तो मौका नहीं होता आज मौका भी है नए लोगों को बोल रहा हूं आज मौका भी है एहसास भी हो चुका है अभी निर्णय लीजिए अभी और अपने अप्लाइंस के साथ बैठिए इसको समझिए ज्वाइन करिए आओ हम सब मिलकर लोगों की लाइफ बदल देते हैं अरे सर बहुत 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 धन्यवाद सर आपका और आज का जो सेशन है जो लास्ट का स्पीच है आपका जिस लेवल पे आपने बताया है जिस लेवल पे आपने बोला है जबरदस्त रिस्पॉन्स लोगों को मतलब लोगों के स्माइल जैसे होता है कि कोई पिक्चर में अच्छा सीन चल रहा होता तो लोग ऐसे देख लेते हैं कि वो पलक भी नहीं झपकते तो मैं कुछ लोगों को देख रहा था बड़ी सिद्ध से आपको सुन रहे थे अब बड़े मैं तो उनके चेहरे पे ज्यादा फोकस था क्योंकि मैं तो रिकॉर्डिंग सेशन से भी सुन सकता हूँ लेकिन बहुत से लोग इस मतलब इतनी श्रद्धा थी इस सेशन को सुनने की और मैं एक गर्व से कह सकता हूं जिस दिन हमारा पे आउट वाला दिन वैसे होता है ना कि महीने का चेक ही बनेगा बारह बारह चौदह चौदह लाख ये सब के सब जब भी नहीं बैठते इतनी देर तक <laughs> जितना तो बजे तक करीब करीब साढ़े चार सौ से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति सीखने के परपज से तो है यहाँ पे ये डाउट तो क्लियर हो गया कि हर एक व्यक्ति सीखना चाहता है अगर आपको सिखाना आया तो डेफिनेटली हर एक व्यक्ति सीख के इस बिजनेस से पैसे कमा सकता है तो थैंक यू वेरी मच सर मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा अगर आप परमिशन देते हैं तो जी जी सर जी सर अगर मेरा सेशन पसंद आया तो मेरा एक कोटेशन है मैं सबके साथ बोलना चाहता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप चाहो तो माइक एडमिट करा के बोल सकते हैं जिससे कि हमको बड़ा जोश आता है है ना तो अगर आप इजाज़त देंगे तो सबके माइक ऑन करके हम बोलते हैं नहीं मैं चाहूंगा जो हमारे होस्ट है तो सबको एक बार <laughs> होस्ट सॉरी सबको एक बार अनम्यूट ऑप्शन दे दिया जाए जो सबके माइक अनम्यूट हो जाए जो सब आसानी से बोल भी सके जी सर तो अगर आप माइक अनम्यूट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा मुझे खुशी मिलेगी क्योंकि हमारा मिशन है 2030 तक दिसंबर तक हमें एक लाख को एक लाख कमाने में जो है हेल्प करनी है तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर हेल्प करेंगे और टीन फ्यूचर ब्राइट के साथ मिलकर बहुत से लोग जिंदगी बदलेंगे हम लोग आप सब तो तो हमारे साथ हैं सब हमारे साथ हैं सब कि पता सर अभी का का ऑप्शन शायद शायद मैंने मैंने आपको म्यूट म्यूट सबको ही मैंने कर दिया भी दिय। अरे तो मेरा एनर्जी लेवल था <laughs> आपका तो आवाज आ रहा था लेकिन लोगों का आवाज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बहुत से लोग ट्रैफिक में है, बहुत से लोग इधर उधर है एक बार मैं कर देता हूं लेकिन लोग ना जो ट्रैफिक में वो इसको वो ना करें वो शेयर ना करें

तो सिस्टम थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू वेरी मच थैंक थैंक यू यू वेरी मच बत्रा सर एंड तमाम सभी लीडर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इतनी से आज का सेशन आपने सुना और आज का सेशन <coughs> रहा और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का आज की तारीख में आया है और मैं एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट है ऐसे हमारे सेशंस वीक में एक बार मोहित सर के क्लास में आप आइएगा और आप सबको मौका दिया जाएगा एज ए गेस्ट बनके आप अपनी जर्नी रख सकते हैं इस सेशन का मकसद ये नहीं है कि आपकी प्रोफाइल यानी कि सर के पास नॉलेज अपना नॉलेज दिया आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग अपना सब कुछ आपने इस बिजनेस में क्यों इन किया इससे पहले क्या चैलेंजेस आए आपके क्या सपने हैं आप मुझे पहले एक दिन पहले टाइटल दीजिएगा ताकि मैं उसके बारे में क्वेश्चन लिख सकूं और ताकि अगले दिन आप उसका रिप्लाई कर सके आसानी से आपकी निजी जिंदगी हो जिससे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आपके साथ ऐसी समस्या हो रही हो जिसका आप जवाब जनता से चाहते हैं यानी कि आज की तारीख में एक एक, एक परिवार है ये हम सब लोगों का ये परिवार की एक जरूरत है आप सब लीडर्स को बढ़ावा देना तो मोहित सर के पहले सेशन में मोहित सर की क्लास के पहले सेशन में डॉक्टर सर आज फर्स्ट एपिसोड में आए और ये सेशन मेरे हिसाब से तो जबरदस्त रहा कैसा लगा आपको ये सेशन चैट बॉक्स में डालिएगा ताकि मैं आपकी प्रतिक्रिया यहां से ले सकूं कैसा लगा आज का सेशन मैं जानना चाहूंगा क्या एपिसोड टू हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो मैं चैट बॉक्स में डालना चाहूंगा और कौन एपिसोड टू में सबसे पहले किस व्यक्ति को चाहता है आप बताइएगा मेरी रिक्वेस्ट उससे रहेगी उस व्यक्ति को इस मंच पे लाने की जो लिवुड में आपको लग रहा है अच्छा कार्य कर रहे हैं बड़ी सिद्धत से काम कर रहे हैं मैं एक एक करके मेरा मकसद है कि हर एक व्यक्ति को इस बिजनेस के साथ साथ इस सेशन के अंदर लेके आऊं ताकि उसकी नॉलेज उन सभी लोगों तक पहुंचे और वो रिकॉर्डिंग सेशन आपके पास हमेशा बना रहे हमारा मकसद है अमेजिंग 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 जबरदस्त थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू वेरी टीसी शर्मा सर योगेश सर राहुल सर अभिषेक सर थैंक यू वेरी मच बहुत से लोगों ने नाम भी लिख लिख के भेजे अपने फेवरेट लीडर्स से थैंक यू वेरी मच इट्स वेरी गुड ऐसा जिंदगी में कुछ भी हो बड़ी अच्छी बात रिखी है सर ने सफलता जरूर लेना है ग्रेट सेशन सर मोहित आएगी सर थैंक यू वेरी मच अच्छा मेरा ही टी एस एस अहमद सर ने लिखा है मोहित सर को हम बुलाना चाहेंगे तो होस्ट कौन करेगा अगर मैं आऊंगा तो <laughs> तो उस दिन मैं रखूंगा अपना भी सेशन किसी दिन उसकी दिन कुदरत ने चाहा तो थैंक यू वेरी मच जितने लीडर्स थे आज का सेशन रिकॉर्डिंग आपका यूट्यूब पे मिल जाएगा और इस सेशन को आप अपने अपने यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं आने वाले वक्त में मैं ये भी सेशन जो भी जिस गेस्ट को मैं यहाँ पे गोल्ड प्लस को लेके आऊंगा वो रिकॉर्डिंग सेशन बकायदा एडिट वेडिट करके हम आपके चैनल पे अपलोड भी करा के आपको देंगे ये भी जिम्मेदारी हमारी होगी यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली हो रही है प्लस आपके नाम से आपका चैनल बनाया जाएगा जो हमारी को टीम बैकएंड की टीम बनाएगी वो वीडियो वो पूरा सेशन एक घंटे का आपके चैनल पर डाला जाएगा उस चैनल के माध्यम से आप कोई भी लीडर्स के पास जाते हैं आप दिखाते हैं कि आप, आप क्या है तो आप दिखाना मैं ये हूं जैसे ही आपने वो वीडियो उसको दिखाया उस बंदे ने क्लिक करा तो निन्यानवे परसेंट बंदा बैन हो जा रहा भाई पांच सौ लोग सुन रहे हैं इसको ये जरूर कुछ बड़ा आदमी है तो दिखावा सबसे बड़ा होता है इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सूत्र है जो दिखता है वो सबसे ज्यादा बिकता है तो दोस्तों सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है यूं तो आते हैं सब जाने के लिए लेकिन असली जाना उसका जिसको सुबह होते ही सलाम होती है तो ये अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा आज की तारीख में अगले बृहस्पतिवार को एक नए गैस के साथ हम फिर आएंगे गोल्ड प्लस लीडर्स को हम यहाँ पे लेके आएंगे और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है इस सेशन को अटेंड करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है इस मंच पे आना क्योंकि ये मंच कहीं ना कहीं आपको भी रिप्रेजेंट करता है और सभी लोगों को भी बढ़ावा देता है कि एक आम आदमी भी उठ के कहां कहां से कहां इस बिजनेस के मेरे पास ऐसे भी कुछ गोल्ड हैं जिनके पास खाने खाने तक के भी पैसे नहीं थे लेकिन आज इस बिजनेस से चालीस चालीस पचास पचास हजार रुपए महीने के कमा रहे हैं साहब ऐसे ऐसे गोल्ड को भी मैं लेके आऊंगा अब देखना कितना मोटिवेशन आपको मिलेगा उनकी जर्नी जानकर ऐसे ऐसे लोगों को भी जाऊंगा जो चार चार साल से इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं लेकिन इस बिजनेस में इन करने के बाद उन्हें उनका माइंड सेटअप पूरी की तरह पूरा चेंज हो चुका है ऐसे ऐसे लोगों को भी पे मैं लेके आने वाला हूँ so, दे दो दिन हमारा दिवाली रहेगा हम जी का होगा कल रात्रि सैटरडे का सेशन आपके वोटिंग के अनुसार हम चालू भी कर सकते हैं या उसको उस दिन ऑफ भी कर सकते हैं संडे हमारा ऑफ रहेगा संडे दिवाली है तो अपने घर में बैठ के परिवार के साथ दिवाली बनाए और छब्बीस नवंबर को हमारा प्रोग्राम है दिल्ली के अंदर जो एक बड़ा सेमिनार है 300 से ज्यादा की सीटिंग बुक हो चुकी है अगर आप भी आना चाहते हैं तो अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मात्र दो सौ रुपए के टिकट के माध्यम से आप तीन डायमंड आपके सामने होंगे और जैसे बत्रा सर ने बताया से मिनट का का सर सेशन होगा और जिसे मेरी जर्नी जाननी है वो सेशन को जरूर अटेंड करें अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए उस जर्नी के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास उठा उठाकर देख लेना जबरदस्त जर्नी आपको किसी की नहीं मिलेगी ये मैं घमंड नहीं कर रहा एक्चुअल बता रहा हूं मतलब जैसे एक मूवी बनी है संजू एक्टर तो सब है लेकिन संजय दत्त की स्टोरी में कुछ अलग ही दम था जो 400-600 करोड़ के समथिंग लेके चली गई क्यों क्योंकि उस, उसकी स्टोरी में ट्विस्ट था जो राजकुमार राजकुमारी हिरा, ने जिस तरीके से रिप्रेजेंट करा जबरदस्त हुआ तो हमारी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव चले हैं हमने कहाँ से शुरुआत करी कहाँ से एक एक रुपए के लाले पड़ा करते थे मोटरसाइकिल में फूक मार के मोटरसाइकिल चलाया करते थे डीजल और मट्टी तेल का मिक्स करके गाड़ी चलाया करते थे सारी जर्नी आपके सामने लेके आऊंगा वो जर्नी कहां से कहां तक पहुंची और आने वाले 2024 में मर्सिडीज जैगवार तक कैसे पहुंचने वाली है वो सारी आपको छब्बीस नवंबर को दिल्ली के अंदर लेके आने वाला हूं अधिकतर लोगों ने बुकिंग कर लिया जिन्होंने नहीं करी है बुकिंग कराइए दिवाली के बाद उस प्रोग्राम को सुपर डुपर हिट करेंगे उसके बाद गोवा के अंदर एक आरटीपी हम लेके आने वाले हैं जो जबरदस्त दो नाइट का रखे हैं एक नाइट का रखे हैं उसका अपडेट भी मैं आपको प्रोग्राम के बाद छब्बीस नवंबर के बाद दे दूंगा तो थैंक यू वेरी मच जितने लीडर्स आज के सेशन में बने रहे तो मोहित सर की क्लास में सेकेंड एपिसोड में एक नए गैस के साथ मिलेंगे रात्रि आठ बजे नेक्स्ट थर्सडे को आपकी जो जो प्रतिक्रिया है अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालें जिसमें मैं हूं मुझे टैग करें और बताएं कि आपने सीखा कैसा आज का सेशन आपको लगा तो दोस्तों मिलते नए सेशन के साथ जब...